लिखा हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित के लिए और सही विकल्प का चयन करना है, बौद्ध धर्म प्रचारक और देश। मुझे एक बात बताएं पहले तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले कि भाई तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में, उसके बाद क्या सिर्फ अपने देश में ही अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे गए थे या विदेश में भी भेजे गए थे? बस इतना बता दें, देश में या विदेश में भी भेजे गए थे, हां या ना बस बता दें। एक बार सारे लोग लाइक तो कर ले भाई, लाइक तो बनता है। विदेश में भी अर्थात दोनों जगहों पे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा करूंगा, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर बता दें, आसान सा प्रश्न है। ए का मतलब है ए डी बी सी, ए डी बी सी, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि कुछ प्रश्नों की जानकारी आपको दे रहा हूं, यह सब आपने रटा हुआ होगा और ऐसे कम से कम 8-10 स्थान हैं, 8-10 लोगों को भेजा गया है, लेकिन कभी प्रश्न यह पूछ लिया गया कि तीसरे बौद्ध सम्मेलन के बाद अशोक ने जिन बौद्ध धर्म प्रचारकों को देश या देश के बाहर भेजा, उनकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अर्थात ये जो धर्म प्रचारक हैं, इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, सबके विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? महावंश, निश्चित रूप से महावंश से जानकारी मिलती है, ठीक है, महावंश। मुझे एक बात बताएं कि देश में कहां कहां है, उस पर भी अभी बात कर लेते हैं, विदेश की बात करते हैं। अगर कभी पेपर में प्रश्न पूछ लिया कि क्या अशोक ने यूनान अपने धर्म प्रचारक भेजे थे क्या, बताते रहिएगा, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी, हां या ना। क्या यूनान में इन्होंने भेजा हुआ था? उत्तर आ रहा है हां। अगर पूछा गया कि सीरिया में भेजा गया था क्या, अब आप लोग मेरे तरीके को समझ चुके हैं तो हां हां लिखते रहते हैं, बीच में मैं गच्चा जरूर दूंगा एक जगह। हां भाई ये भी उत्तर लिख रहे हैं, हां ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्या मिस्र में भी अशोक के द्वारा भेजा गया था मिस्र? सोच समझ करके, गलत ना हो भाई, मिस्र में भी भेजा गया था, ठीक है, मिस्र में भी भेजा गया था। कैसे, आप समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो अशोक के समय काल की बात है ना, बे कॉमन सेंस वाली बात आपको समझा देता हूं, हमेशा के लिए याद रहेगा। सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर के द्वारा विजित मध्य एशियाई क्षेत्र की बात किया जाए तो बहुत सारे उसके जो सेनापति रहे उन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित किए। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुतों के साथ कैसे रिलेशन रहे वो आपको जानकारी में है। बिंदुसार के समय दूत भी आ रहा है। अशोक के समय मिश्र से अंटियाल कीडस नामक दूत भी तो आ रहा है, सॉरी कौन सा नाम था उसका, ध्यान से उतर रहा है। तो अशोक के समय भी तो मिश्र से एक दूत आ रहा है ना। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पे सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी क्षत्रपों का शासन हुआ तो वहां से मौर्यों के अच्छे संबंध दिखाई देते हैं, टॉलमी फिलाडेल्फस मिश्र वाला। तो ये यूनान तो है ही, सीरिया भी है, मिश्र भी है, तो यह तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ आपको याद होगा श्रीलंका भी, तो यह चार नाम तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है कि जहां पे अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे गए थे, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि उत्तर सोन एवं उत्तर, सोन भी है, सोन एवं उत्तर, रक्षित हो गया, महादेव हो गया, महेंद्र हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, अगर पूछा गया मझिम को लेकर के, मझिम, क्या इस नाम से भी कोई बौद्ध धर्म प्रचारक कहीं गया हुआ था, बताएंगे जरा। मझिम
कहां भेजा गया था, अभी के अभी पूरा यह रिवाइज कर लेते हैं। पेन कॉपी का जरूर प्रयोग किया करिए मेरे भाई, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में भेजा गया था, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या मध्यंतिक लिखा हुआ है, मध्यंतिक इसको कहां भेजा गया था, भारतीय सीमा में ही मध्यंतिक को कहां भेजा गया था, मध्यंतिक, ठीक है। अब मुझे बताएं ये जो कश्मीर गांधार मध्यंतिक, महाधर्म रक्षित इसको कहां भेजा गया था, महाधर्म रक्षित ठीक है, कश्मीर और गांधार हो गया मध्यंतिक, कश्मीर और गांधार, ठीक है, हां महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। फिर अगर पूछ लिया गया महारक्षित इसको कहां भेजा गया था, महारक्षित महादेव हो गया रक्षित, यवन देश, ठीक है। अगर पूछ लिया गया धर्म रक्षित क्या होगा इसका उत्तर, धर्म रक्षित, ठीक है, यवन देश हो गया महारक्षित। धर्म रक्षित की बात अपरांत, ठीक है अपरांतक का मतलब क्या है, अपरांतक वह कौन सा क्षेत्र है, अपरांतक बताया इसका उत्तर, अपरांतक का मतलब क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे बता दें, अपरांतक का मतलब क्या है इसमें, अपरांतक का मतलब है पश्चिम भारत, ठीक है, पश्चिम भारत याद रहेगा, पश्चिम भारत। तो ये जिनको भी यह याद रहेगा उनके लिए एक प्रश्न निश्चित रूप से यहां से पूछा जाता है, कहां से जानकारी मिल रही है, महावंश से जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें, अशोक स्तंभ के बारे में कथनों पर विचार करें, यह स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है, स्तंभों का यष्टि जो भाग है सजावट विहीन है किंतु पॉलिशदार है, यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है और अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य या पशु की मूर्ति दर्शाई गई है, कौन सा सही है। सबके उत्तर गलत हैं, कैसे गलत हैं फिर सोचिए, सबके डी उत्तर गलत हैं। चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बात सही है। यष्टि का मतलब ये जो तना है स्तंभ का तना, ठीक है, यह यष्टि सजावट विहीन है किंतु पॉलिशदार है, बिल्कुल सही है, यहां पे कोई सजावट नहीं है, अलंकरण कुछ भी नहीं है यष्टि भाग पर, लेकिन पॉलिश है, घर्षित है, चिकनाई लाया गया है उसमें। यष्टि के शीर्ष भाग में एक उल्टा कमल, भाई कैसे बनता है मेरे लिए मुश्किल है, उल्टा कमल, ठीक है, उल्टा ये कमल हो गया, अधोमुखी कमल मतलब उल्टा कमल के रूप में दर्शाया गया है, बात बिल्कुल ठीक है, और इसके ऊपर एक चौकी है और इस चौकी पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति, ये डी विकल्प गलत है, कैसे गलत है फिर से सोचिए, उत्तर अब आ रहा है बी 1 2 3, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहां पे मनुष्य भी लिख दिया गया था, या तो मनुष्य की या तो पशु की, मनुष्य अथवा पशु लिख दिया था, मतलब चाहे रामपुरवा हो, चाहे संकिशा हो, चाहे कोशम हो, चाहे सांची हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे संकिशा हो, जो भी स्थान है, या तो मनुष्य की मूर्ति या फिर पशु की, यही गलत लिख दिया गया था यहां पे और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्लियर है बात, बस पशुओं की है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जब पशुओं को लेकर के बात हो रही है तो क्या
अशोक के स्तंभों का कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूं। अशोक के जो भी स्तंभ हैं, क्या इनके बारे में फाहियान कुछ बता रहा है? क्या फाहियान इनकी संख्या कितनी बता रहा है? अशोक के स्तंभों को फाहियान ने देखा, क्या उनकी संख्या के विषय में बता रहा है? 6 बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद आएगा वेनसांग फाहियान के बाद आ रहा है, इसने संख्या कितनी बताई? अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी बताई? 15 बताई, 15 इन्होंने बताया, 6 और इन्होंने बताया 15, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं कि अशोक के जो स्तंभ हैं, तमाम सारे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जो कि यह कहते हैं कि ये जो अशोक स्तंभ हैं, वह किससे प्रेरणा ग्रहण किए गए हैं? तो आपको याद होगा, ईरानी स्तंभ से प्रेरित बताया गया है, ईरानी स्तंभ से प्रेरित। क्लियर है बात? सही है ना बात? अशोक के स्तंभ कि प्रेरणा अशोक को बनवाने की कहां से मिली? तमाम सारे इतिहासकार हैं जो यह कहते हैं ईरान में पहले से ही स्तंभ बनाए जाते थे, ठीक है, वहां से प्रेरित है, बात ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो कि यह कहते हैं कि अशोक का जो स्तंभ है उसकी मौलिक सोच थी, क्योंकि अगर कोई चीज हम कहीं से अगर सीखे हुए होते तो जैसे वहां था वैसे ही अनुकृति हम करते, ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव देसी ग्रामीण कृषक संस्कृतियों के विकास का परिणाम था, या यह एक आयातक सभ्यता थी अर्थात मेसोपोटामिया से ग्रहित की हुई, तमाम सारे विद्वान कहते हैं हां ग्रहित किया हुआ है, तमाम सारे भारतीय अन्य विद्वान है जो कि अंतर स्पष्ट करते हैं मेसोपोटामिया में मोहर ऐसे होता था, माप तोल ऐसे होता था, लिपि ऐसे होती थी, अगर यह आयातित तो होती तो भारत में भी वही लिपि चलती, उसी प्रकार के मोहर बाट बटखरे होते, लेकिन अंतर है। इसका मतलब कि दोनों सभ्यताएं अलग अलग अपने विकास कर रही हैं, उनका उद्भव हुआ। वैसे ही भले ही प्रेरणा लिया, लेकिन इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। याद रखिए बहुत काम की बात, ये जो ईरानी स्तंभ है ना, वह कैसे हैं? क्या एक ही पाषाण से निर्मित है? एक ही पाषाण से? उत्तर है नहीं। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, अशोक का जो स्तंभ है ना, वह कैसा है? मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक कहने का मतलब एकाश्मक है, एकाश्मक है। एक ही पत्थर को तराशा गया है, पॉलिश किया गया है एक ही पत्थर को, जबकि ईरानी स्तंभ में अलग अलग पत्थरों को जोड़ करके के ऊपर एक सजा करके स्तंभ बनाया गया है। दूसरी बात कि ये जो ईरानी स्तंभ है, ये जानना बहुत जरूरी है, आपकी बड़ी परीक्षा है, आगे बहुत काम आएगा। दूसरी बात कि इस पर पशु का अंकन नहीं देखने को मिलता है, जबकि यहां पर पशु का अंकन देखने को मिलता है, यहां पर नहीं देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट हो रही होगी, ठीक है, ठीक है। फिर कुछ और बात मुझे बताएं कि ये जो अशोक के स्तंभ हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है? इनकी ऊंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। मौर्य कला में जो सबसे खास अवयव निकलता है अशोक के स्तंभ, ये मौर्य कला की सबसे खास विशेषता है, और लगातार यहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। हां भाई कितना है? 12 से 14, ठीक है, 12 से 14 मीटर ऊंचा, 12 से 14 मीटर याद रखिएगा, मीटर पे हम लोग बात करेंगे। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि अशोक का जो स्तंभ है प्रथम स्तंभ कौन सा था, अशोक के जो भी सारे स्तंभ पाए गए हैं प्रथम स्तंभ कौन सा था, एक प्रश्न के माध्यम से कम अभी 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला स्तंभ कौन सा था?
याद रखिएगा, ये जो अशोक का पहला स्तंभ माना जाता है वह वैशाली मतलब बसाढ़ का कोलुहा स्तंभ माना जाता है। बात समझ में आई? आप जो उत्तर कर रहे हैं वो दूसरा है, बसाढ़ का कोलुहा। ठीक है, अगर पूछ लिया गया कि स्तंभ अंतिम पूछ लिया गया, अंतिम कौन सा अंतिम कहा जाएगा, अंतिम स्तंभ। पहले के बारे में आपको बताया कि बसाढ़ मतलब वैशाली बिहार का कोलुहा स्तंभ प्रथम स्तंभ है, अंतिम किसे कहा जाएगा। मतलब ये कि अपने शासन के अंतिम दिनों में अशोक ने इस वाले क्षेत्र के स्तंभ का निर्माण कराया था, कौन सा होगा। नहीं पता होगा आपको, आज याद रख लीजिएगा, अंतिम जो कहा जाता है वह सारनाथ को कहा जाता है, और न सिर्फ अंतिम बल्कि यही सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ स्तंभ कौन सा है, यही सारनाथ का स्तंभ सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न बनेगा कि अभी वर्तमान में सर्वाधिक सुरक्षित कौन सा है, सर्वाधिक सुरक्षित स्तंभ कौन सा है, सर्वाधिक सुरक्षित स्तंभ, सर्वाधिक सुरक्षित। तो भाई लौरिया नंदनगढ़, जी लौरिया नंदनगढ़। इसका लोकेशन क्या है भाई, लौरिया नंदनगढ़ का क्षेत्र बताइए जरा, ये कौन सा क्षेत्र है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ कौन सा क्षेत्र है। सारनाथ सुरक्षित नहीं सीताराम जी, सारनाथ सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक सुरक्षित लौरिया नंदनगढ़ है। फिर एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा स्तंभ, सबसे छोटा। रुमिनदेई, ठीक है रुमिनदेई। अब मुझे एक बात बताएं, रुमिनदेई बहुत ही अनोखा सा प्रश्न, आप में से शायद किसी को जानकारी हो कि अशोक के किस एक स्तंभ को फाहियान ने जंबू द्वीप स्तंभ कहा था। अशोक के किस एक स्तंभ को फाहियान ने जंबू द्वीप स्तंभ कहा, या निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख ये स्तंभ को जंबू द्वीप स्तंभ भी कहा जाता है। हाँ याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए, नहीं जानकारी है, कुछ दुर्लभ बातों की जानकारी मिलनी चाहिए कि कुम्हरार से प्राप्त स्तंभ को फाहियान ने जंबू द्वीप स्तंभ की संज्ञा से अभिहित किया है। कहीं नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ठीक है। अब एक प्रश्न जो कि और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि अशोक स्तंभों की तुलना किस एक मृदभांड से की जा सकती है, मृदभांड से की जा सकती है, कोई बताएगा। ऐसा तो कभी भी प्रश्न नहीं देखा होगा, कोशिश करिए, दिमाग पे जोर डालिए, उत्तर मिल जाएगा। सोचिए कितने सारे मृदभांड आप जानते हैं और अशोक के स्तंभों की तुलना की जा रही है किसी मृदभांड से, वह कौन सा। ऐसे ही तमाम सारे नए नए प्रश्न बनाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और ऐसे प्रश्न बड़ा ही प्राणघातक हो जाते हैं परीक्षा हॉल में। कॉमन सेंस लगाया और उत्तर मिल गया, NBPW बिल्कुल सही है। NBPW कैसे है,
इसका उत्तर यह है कि NBPW पर भी खूब चमकदार पॉलिश की जाती थी और अशोक के स्तंभ पर भी खूब चमकदार पॉलिश रगड़ रगड़ करके चमक पैदा कर दिया गया था। ठीक है, इसी कारण से NBPW का समय काल भी मौर्य काल से समकालीन हो जाता है ना भाई। NBPW एक तो समकालिक है, दूसरा चमकदार पॉलिश, लेकिन चमकदार पॉलिश की वजह से तुलना की जाती है अशोक स्तंभ से। क्लियर है बात? ठीक है, अब मुझे एक बात और बता दें, अशोक के जो स्तंभ है ना, कुछ स्तंभों पर लेख है और कुछ स्तंभों पर लेख नहीं है, लेख युक्त है, कुछ लेख विहीन है। अर्थात सीधे सीधे प्रश्न, क्या अशोक के स्तंभों पर लेख भी पाए गए हैं? उत्तर है हां, लेख भी पाए गए हैं। कुछ स्तंभों पर लेख नहीं भी पाए गए हैं। लेख विहीन कौन कौन से क्षेत्रों से प्राप्त स्तंभ हैं? दो तीन के नाम बता दीजिए, मैं बताता हूं फिर, दो तीन के नाम। ये जो अशोक के स्तंभ है ना, अशोक के स्तंभ पर लेख पाए भी गए हैं कुछ जगहों से, और कुछ जगहों के स्तंभ से लेख नहीं पाए गए हैं। लेख विहीन कौन कौन से हैं? अब मैं पूछता हूं, मुझे बताएं, लेख विहीन क्या रामपुरवा है? क्या रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ लेख विहीन है क्या? उत्तर है हां। क्या कोसम, कोसम का मतलब कौशाम्बी, कौशाम्बी से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है वह लेख विहीन है क्या? तो कौशाम्बी, कोसम से प्राप्त एक लेख विहीन स्तंभ प्राप्त हुआ है। अब वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई वहां से साम्राज्ञी का तो अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो भैया वह अभिलेख है और एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्तंभ पिलर्स की बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। वह अभिलेख है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्तंभ की, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या संकिशा, फर्रुखाबाद, संकिशा क्या यहां से लेख विहीन लेख प्राप्त, ये स्तंभ प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये तीन। एक और मतलब बसाड़, क्या बसाड़ से जो स्तंभ, बसाड़ मतलब वैशाली से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है, यह चार नाम निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा, यह लेख विहीन स्तंभ है। इनके अलावा जो पाए गए हैं स्तंभ वह लेख युक्त स्तंभ है। ये चार नाम आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है भाई, ठीक है। अब प्रश्न एक और बनता है, ये जो ये हो गया यष्टी, हो गया यष्टी, फिर इसके ऊपर यह कमल बना दिया गया, कमल ऐसे हो, कमल के ये नीचे का ये डंडी वाला भाग है, ठीक है। फिर यहां पे एक चौकी हो गया और चौकी के ऊपर ही यहां पे पशु की आकृति देखने को मिलती है, कुछ स्तंभ ऐसा होता था, ठीक है। ये यष्टि है, इसको अवांगमुखी, ये अधोमुखी, अधोमुखी कमल, अधोमुखी कमल कहा गया है इसको, ये चौकी कहा जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पशुओं की आकृति। अब मुझे बताएं कि रामपुरवा से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसके शीर्ष पर, मतलब चौकी पर, कौन से पशु की आकृति का अंकन प्राप्त हुआ है? जल्दी से, रामपुरवा, रामपुरवा, रामपुरवा से लोग कह रहे हैं वृषभ, या अगर वृषभ उत्तर में न रहे, विकल्प में न रहे, अगर बैल भी लिखे तो काम चला लेना है। बहुत सारे लोग अंतर नहीं कर पाते हैं इन दोनों में, लेकिन अंतर है, लेकिन किताबों में भी या एग्जाम में भी एग्जामिनर या बहुत सारे लेखक अंतर नहीं कर पाते, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। वृषभ तो प्राप्त हो रहा है रामपुरवा से, लेकिन रामपुरवा से दो स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं, एक दूसरा भी स्तंभ है, यहां से एकल शेर भी प्राप्त हो रहा है, याद रहेगा।
रामपुरवा से दो अलग अलग स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं, एक पर वृषभ है और दूसरे पर एक शेर भी बना हुआ है। ये तो स्पष्ट है ना कि रामपुरवा से एक जो स्तंभ मिला है वृषभ या बैल है और दूसरे वाले पर एकल शेर है, ये तो पक्की जानकारी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, जब एकल शेर की बात आती है तो क्या रामपुरवा से ही एकल शेर प्राप्त हो रहा है, क्या लौरिया नंदनगढ़ से एक शेर प्राप्त हो रहा है क्या, हां या ना, बस बताएं। अगर याद हो तो, जिसको याद रहे तुक्केबाजी नहीं करेगा, तुक्केबाजी नहीं करिएगा, जिसको याद हो बस वही बताए। तुक्केबाजी करेंगे आज, ये जीवन में फिर कभी याद नहीं हो पाएगा, एक बार अगर गलत अंकित हो गया दिमाग में तो। हां भाई, क्या लौरिया नंदनगढ़ से एक शेर प्राप्त हो रहा है, उत्तर है हां। फिर एक प्रश्न बनेगा, क्या बसाढ़ से भी एक शेर प्राप्त हो रहा है, बसाढ़ मतलब वैशाली के स्तंभ से भी एक शेर प्राप्त हो रहा है। मेरी बातों में ना आइएगा, अपना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक शेर की बात हो रही है। अब अगर शीर्ष पर चार शेर पूछ लिया, चार शेर कहां से प्राप्त हो रहे हैं, किस स्थान के स्तंभ से चार शेर प्राप्त हो रहे हैं, उत्तर क्या होगा, चार शेर। ये एक शेर यहां से लौरिया नंदनगढ़ बसाढ़ और रामपुरवा से चार शेर अगर शीर्ष पर प्राप्त हो रहे हैं, वह कौन से, तो भाई सांची और सारनाथ, सांची और सारनाथ से चार शेर प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, अब मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश, प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ से एक हाथी का अंकन प्राप्त हो रहा है, अशोक के स्तंभ की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के किस एक अशोक स्तंभ से एक हाथी का अंकन प्राप्त हो रहा है, तो भाई कहां से, संकिशा एकमात्र ऐसा स्थल है, संकिशा एकमात्र है, एकमात्र संकिशा कहां पे है, फरुखाबाद, फरुखाबाद बौद्ध और जैन दोनों के लिए फेमस जगह है फरुखाबाद, फरुखाबाद संकिशा, संकिशा से जो अशोक स्तंभ प्राप्त हो रहा है यह एकमात्र है जहां से हाथी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चार शेर भी आपको जानकारी में आ गया। अगर प्रश्न पूछा गया कि मोर की आकृति, अशोक के किस एक स्तंभ से मोर का अंकन प्राप्त हो रहा है, मोर का अंकन, हां भाई मोर का अंकन प्राप्त हो रहा है, कहां से प्राप्त हो रहा है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है लौरिया नंदनगढ़ मोर का अंकन। अब मुझे एक बात बताएं, लौरिया नंदनगढ़, मुझे एक बात बताएं, दाना चुगते हुए हंस, दाना चुगते हुए हंस का अंकन कहां से प्राप्त हो रहा है, ये जो गोल चौकी है, गोल चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों का भी अंकन प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हो रहा है, इसका उत्तर है रामपुरवा, कौन सा, रामपुरवा, दाना चुगते हुए हंस दो जगहों से, रामपुरवा भी है और लौरिया नंदनगढ़ भी, आप बिल्कुल सही हैं, जो भी लोग लिखे लौरिया नंदनगढ़ भी है, ठीक है, रामपुरवा से भी और लौरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चले, बहुत सारी बातें हुई और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से अशोक स्तंभ को लेकर के बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, एक एक तथ्य और मुझे बता दें, चलते चलते
कौन सा स्तंभ है जहां पे हाथी भी है, घोड़ा भी है, वृषभ भी है, शेर भी है, यह कहां से प्राप्त हो रहा है? एक ही स्तंभ और यह चारों जीव वहां पे अंकित हैं, यह कहां से प्राप्त हो रहा है? बहुत बढ़िया, सारनाथ, और निश्चित रूप से बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सारनाथ सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? किसने किया है? कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अहितक, जो भी ऐसे टॉपिक आएंगे ना प्रश्न से रिलेटेड, कोशिश किया जाएगा कि लगे हाथ पूरा का पूरा स्पष्ट कर लिया जाए। हाँ भाई, अहितक, अहितक का मतलब क्या होगा? दास के संदर्भ में किया गया है ना भाई, अहितक शब्द का प्रयोग दास के संदर्भ में किया गया है, भी उत्तर सही होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या मौर्य काल काल का समाज जो था, समाज वह एक दास प्रकार का समाज था क्या? हां या ना? मौर्य काल का समाज एक दास प्रकार का समाज था, हां या ना? कॉन्सेप्ट वाली बात है ये। उत्तर आप लोग लिख रहे हैं हां, उत्तर होगा नहीं। दास हैं, दासों के साथ मानवीय व्यवहार मानो समझ करके ही उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। एक दास प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, दास प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व प्राचीन यूनान जरूर करता है, लेकिन भारत का मौर्य काल इस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, भारत में दास प्रकार का समाज बहुत बाद में आएगा, कुछ समय के लिए आएगा, पूर्व मध्यकाल के दौरान देखने को मिलेगा, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या कौटिल्य ने दास का उल्लेख किया है? क्या कौटिल्य ने दास का उल्लेख किया है? क्या बताएंगे, हां या ना? कितने दासों का उल्लेख किया है? संख्या बताइए, कितने दासों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने? नौ प्रकार के। ठीक है, कितने? नौ प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। प्रश्न यह बनेगा कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अध्यायों में बटा हुआ है, अधिकरण में बटा हुआ है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, कितने अध्याय हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो अर्थशास्त्र जल्दी से लिखिए। ये जो नौ प्रकार के दासों का उल्लेख किया जा रहा है, तो अर्थशास्त्र के किस एक अधिकरण में, किस भाग में दास कल्प का उल्लेख किया गया है? दास कल्प भाग, दास कल्प भाग, ये अर्थशास्त्र में एक दास कल्प भाग नामक अध्याय है। उस अध्याय में, दासकल्प वाले अध्याय में नौ प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। टास्क यह है कौन से अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, दासकल्प भाग बड़ी परीक्षा के लिए। यह जो नौ प्रकार के दासों का उल्लेख कर रहे हैं कौटिल्य, प्रश्न यह बनता है कि क्या कौटिल्य कह रहे हैं कि आर्यों को दास बनाया जा सकता है, हां या ना?
क्या कौटिल्य कहते हैं कि आर्यों को दास बनाया जा सकता है, हां या ना? उत्तर है नहीं। याद रखिएगा, कौटिल्य आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है किसी भी स्थिति में, सम विषम किसी भी परिस्थिति में आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कौटिल्य नौ प्रकार के दासों का उल्लेख कर रहा है और आर्यों को, आर्यों का मतलब क्या है? कौटिल्य जो आर्य शब्द का उल्लेख कर रहा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों जो वर्ण है ना, सबको आर्य बता रहा है। फिर से मेरी बात समझिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण को आर्य कौटिल्य बता रहे हैं और इन चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के महिला पुरुष को दास नहीं बनाया जा सकता है। फिर दास कहां से आ रहे हैं समाज में, प्रश्न यह बनता है, नौ प्रकार के दास का उल्लेख कर रहा है कहां से? तो याद रखिएगा, यह कह रहा है कि समाज में बहुत सारे लोग अनार्य हैं, समाज में बहुत सारे लोग म्लेच्छ हैं, इन्हीं को दास बनाया जा सकता है। याद रहेगा क्यों भाई? ठीक है, यहां पे लिखा हुआ था दास। अब महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, आदि आदि जगहों पे बहुत सारा उल्लेख मिलता है दासों को लेकर के। ये जो प्रश्न था अहितक, अहितक का मतलब क्या होता है? अहितक का मतलब यह होता है अस्थाई दास। क्या होता है अस्थाई दास? जिनको नहीं पता है वह नोट कर ले, अस्थाई दास। फिर एक प्रश्न बनेगा दासों को लेकर के, क्या सर्वप्रथम मौर्य काल में ही, मौर्य काल में ही दासों को आर्थिक कार्यों में लगाया गया, हां या ना? हां या ना? क्या सबसे पहले मौर्य काल में ही दासों को क्यों भाई सबसे पहले सर्वप्रथम महाजनपद काल में, जनपद काल में आर्थिक कार्य में लगाया गया, मौर्य काल में व्यापक रूप से, ठीक है, व्यापक रूप से लगाया गया, बौद्ध काल में सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप में दासों को संयोजित किया जा रहा है, मौर्य काल में बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। ठीक है, चले, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दें, ठीक है, जब दास की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ उसकी भी बात कर लेते हैं, क्या कौटिल्य ने सती प्रथा का उल्लेख किया है, हां या ना? क्या कौटिल्य ने सती प्रथा का उल्लेख किया है? क्यों भाई, सती प्रथा का उल्लेख किया है? उत्तर है नहीं। ठीक है, उत्तर है नहीं। प्रश्न यह बनता है, लेकिन महाजनपद काल में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक जाति थी कठ जाति में सती प्रथा का प्रचलन था। इस बात की जानकारी विदेशी दे रहे हैं, विदेशी स्रोत से इस बात की जानकारी मिल रही है, भारतीय स्रोत में जानकारी नहीं मिल रही है। विदेशी लोग बता रहे हैं कि महाजनपद काल में कहां पे, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कठ जाति में सती प्रथा का प्रचलन था। प्रश्न यह बन रहा है, यह विदेशी कौन से लोग हैं जो कि इस बात की जानकारी दे रहे हैं? लगे हाथ यह भी कर ले। ठीक है, स्ट्रेबो हैं, स्ट्रेबो भी हैं, और अगर ऑप्शन में स्ट्रेबो नहीं रहा क्या हो जाएगा? अनेसिक्रिटीज। ये दोनों हैं जो कि कठ जाति में सती प्रथा का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है,
क्लियर है बात। चले कुछ और प्रश्नों पे बात करेंगे। मौर्य काल में उदक भाग क्या था? उदक भाग, हां भाई, मौर्य काल में उदक भाग, मौर्य काल में उदक भाग क्या है? उदक भाग, ये उत्तर आ रहा है, ये का मतलब है एक सिंचाई कर, इसमें तनिक भी दोराय नहीं है, इसमें तनिक भी दोराय नहीं है। अब सिंचाई की बात हो रही है तो मुझे बता दे कि सिंचाई के साधन का राज्य द्वारा जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते थे, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते थे, अगर कोई व्यक्ति इनका उपयोग कर रहा है तो इसके बदले कर का कर कितना देना पड़ता था? अगर कोई, जैसे हमने शूर्ष पढ़ा हुआ है, शूर्ष हके शर्व पढ़ा हुआ है फिरोज शाह तुगलक के समय काल में, नहीं दसवां हिस्सा, वैसे ही मौर्य काल में अगर राज्य द्वारा सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया गया है तो राज्य कितना उपज का भाग किसान से लेती थी सिंचाई कर के रूप में, अर्थात उदक भाग कितना होता था उपज का? क्यों भाई, उपज का कितना होता था? हां भाई, 1/5, 1/3 लिख रहे हैं, क्या यह सही है? निश्चित रूप से 1/5, 1/5 से 1/3 तक यह वसूला जाता था, और इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा, अकेले 1/5 नहीं, अकेले 1/3 नहीं, 1/5 से 1/3 हिस्से तक, क्लियर है बात, 1/5 से 1/3, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो जो सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे, इसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सेतु बंध कहा जाता था, ठीक है, सेतु बंध कहा जाता था। प्रश्न यह बनता है कि राज्य के द्वारा यह सिंचाई के साधन जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह कैसे हैं? राज्य द्वारा ये जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसे सेतु बंध कहा जाता है, यह प्राकृतिक साधन है या कृत्रिम साधन है? क्यों भाई, कृत्रिम साधन है या प्राकृतिक साधन है? कृत्रिम है, ठीक है, कृत्रिम है। और ये जो कृत्रिम सेतु बंध है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम लिखेगा आर्हायोदक, आर्हायोदक नाम से भी जाना जाता था। आप में से बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, आर्हायोदक कहा जाता था। अगर यह प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो रही है, याद रखिएगा प्राकृतिक साधन से सिंचाई हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता था? सहोदक, सहोदय, सहोदय सेतु कहा जाता था। याद रहेगा प्राकृतिक साधनों से, अगर बारिश से हो रही है, प्राकृतिक साधन से हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? सहोदय सेतु कहा जाएगा, और कृत्रिम के लिए आपको बताया आर्हायोदक, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दें कि ये कर की बात हो रही है, कर की बात हो रही है, प्रणय क्या था जल्दी से बता देंगे, प्रणय क्या था?
प्रणय क्या था? प्रणय प्रणय आपातकालीन कर, ठीक है, ये सबको पता है आपातकालीन कर। अब एक बात मुझे बताएं, क्या कौटिल्य यह कहता है क्या कि कोई एक राजा, थोड़ी सी और गहराई में ले जाते हैं आपातकालीन कर को, याद रखिएगा कि कौटिल्य कहता है कि कोई राजा अपने शासन काल में, अपने काल में सिर्फ एक बार ही प्रणय लगा सकता है, लगा सकता है। याद रहेगा कौन कह रहा है? कौटिल्य बात कह रहा है, बहुतों को जानकारी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने पूरे शासनकाल के दौरान कोई एक राजा लगा सकता है प्रणय। क्लियर है बात? ठीक है। अगर आप पूछ लिया गया दुर्ग क्या होता था, मौर्य काल के इकोनॉमिक सिस्टम में, टैक्सेशन में दुर्ग क्या होता था, उत्तर क्या होगा? दुर्ग, नगरों से प्राप्त, ठीक है, नगरों से प्राप्त जो आय होती थी उसे दुर्ग कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परहीनक क्या होता था, परहीनक जल्दी से बता दें, परहीनक जो आम है वो नहीं पूछ रहे हैं, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं रहता वही बस, परहीनक चराई कर। अगर पूछ लिया गया हिरण्य क्या होता था, हिरण्य क्या होगा, ये हिरण्य, ठीक है, परहीनक तराई कर। हिरण्य नगद, ठीक है, नगद। अगर पूछ लिया गया पिंड क्या होता था, पिंड ये क्या था, पिंड, पिंड पूरे गांव। अब फटाफट थोड़ा सा, राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था, राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था, राजकीय भूमि, सीता कहा जाता था, ठीक है, सीता कहा जाता था। और राजकीय, अब समझिएगा बहुत काम की बात है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है यहां पे, राजकीय भूमि जो है सीता, अगर कोई किसान राजकीय भूमि सीता पर खेती कर रहा है और किसान बिना हल बैल आदि के है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? क्यों भाई? अगर कोई किसान बिना हल बैल आदि के आ रहा है, उसके पास खुद का नहीं है, यह कौन प्रोवाइड कर रहा है, राज्य प्रोवाइड कर रहा है, कितना टैक्स देना होगा इसको? याद रखिएगा, ऐसे में 1/3 से 1/4, याद रहेगा 1/3 से 1/4, और यदि लाए, यह संसाधन लाए, किसान लाए, तो उसको कितना मिलता था, 1/2 भाग उसे प्राप्त होता था, 1/2 राज्य को जाता था। अंतर छोटा छोटा है, समझने की जरूरत है हमें। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो निजी भूमि, जैसे आज हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, क्या मौर्य काल में सारी जो भी साम्राज्य में भूमि थी, क्या वह राजकीय भूमि थी या निजी भूमि भी होती थी?
क्या निजी भूमि का भी अस्तित्व था मौर्य काल में, या सारी की सारी राजकीय भूमि होती थी? उत्तर है दोनों होती थी, निजी भूमि का भी अस्तित्व था, ठीक है। और निजी भूमि जिस व्यक्ति की होती थी तो यहां से जो आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहा जाता था? निजी भूमि से जो आय होती थी उसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। निजी भूमि से जो टैक्स गवर्नमेंट वसूलता था, मौर्य साम्राज्य को जो टैक्स जाता था वह कितना जाता था? बहुत काम की बातें हो रही है टैक्सेशन को लेकर के। 1/6 से 1/4, ये जो से लिख करके आ रहा है ना, इसके समेत आपको याद रखना है। सिर्फ 1/6 नहीं याद रखना है, 1/6 से 1/4 ऐसे विकल्प में आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गई राजकीय भूमि और निजी भूमि की बात। अच्छा, एक तथ्य और बता दे मुझे, अर्ध आस्तिक क्या होता था? अर्ध आस्तिक मौर्य राजस्व व्यवस्था में या भूमि व्यवस्था में अर्ध आस्तिक क्या होता था? अर्ध आस्तिक आजकल जैसे हम लोग खेती को बटाई पर दे देते हैं ना, तो जो यह बटाईदार होता है ना, बटाईदार, हम खेती करने में असमर्थ है तो गांव में ही किसी को दे दिया अधिया पर, ठीक है, होता है ना अधिया पर देना। तो यह जो अधिया पर देना होता था, यह जो बटाईदार होता था उसे ही अर्ध आस्तिक कहा जाता था, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सामान्यतः अगर एक प्रश्न पूछ लिया गया कि सामान्यतः कर की दर क्या थी, सीधे सीधे यह प्रश्न एक बनेगा, मौर्य काल में सामान्यतः कर की दर क्या थी। अब समझिएगा यहां पे दो बातें, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है और यूनानी स्रोत क्या इस पे बात करते हैं। कौटिल्य के बारे में बताएं, कर की दर कौटिल्य क्या बताता है? छठा हिस्सा 1/6। अब सीधे सीधे मौर्य काल में राजस्व की दर क्या थी, भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 कौटिल्य के हिसाब से। अगर पूछ लिया गया मेगास्थनीज क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भू राजस्व की दर क्या थी, दोनों में अंतर है। एक बटा चार निश्चित रूप से, ठीक है, 1/4 मेगास्थनीज भी बताता है, मेगास्थनीज के अलावा डायोडोरस है वो भी बताता है, डायोडोरस भी बताता है, ठीक है, 1/4 बताते हैं। आगे हम लोग बात की शुरुआत करेंगे मौर्य काल के संदर्भ में कुछ अलग से प्रश्नों की। निम्नांकित किस स्थल पर, स्थल की बात पूछा जा रहा है, स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्धृत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम भी उत्कीर्ण है। अर्थात दो बातें हैं कि एक तो स्तूप अवशेष है जहां पर अशोक की प्रस्तर की प्रतिमा है और उसका नाम भी उत्कीर्ण है, कनगन हल्ली सांची अमरावती देहर उठार, यह चार ऑप्शन है, बताएंगे जरा। ए अर्थात कनगन हल्ली, ठीक है, कनगन हल्ली, ये जो कनगन हल्ली है इसका लोकेशन अगर पूछा जाए तो इसका लोकेशन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है ना कनगन हल्ली, क्यों भाई? कनगन हल्ली आंध्र प्रदेश में है, सही है या गलत है?
कहां पर है? कनगनहल्ली। ये जो कनगनहल्ली है कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहां पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। कर्नाटक में गुलबर्गा, याद होना चाहिए आपकी कॉपी में लिखा होगा कनगनहल्ली कहां पे है? कर्नाटक में जी। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या कोई स्तूप अवशेष प्राप्त हो रहा है, प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हो रही है, नाम उत्कीर्ण है अशोक का, क्या यह सिर्फ और सिर्फ कनगनहल्ली से ही प्राप्त हो रहा है? क्या कनगनहल्ली से जो यह साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, क्या इससे कुछ मिलता जुलता अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं? या एक और प्रकार का प्रश्न बनेगा कि अशोक के क्या कुछ नवीनतम अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्या नवीनतम अभिलेख इसके अशोक के नवीनतम अभिलेख, अर्थात आमतौर पे हम लोग जो अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं, दीर्घ शिलालेख हो चाहे लघु शिलालेख हो, या फिर स्तंभ लेख हो या गुहा लेख हो, जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं परंपरागत रूप से, क्या उन अभिलेखों लेखों के अलावा भी पिछले 10, 15, 20 वर्षों या थोड़ा सा 10, 5 और वर्ष पीछे जा सकते हैं, क्या पिछले 25 वर्षों में कुछ नवीनतम अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं? उत्तर है हाँ, उत्तर है हाँ। ये जो कुछ नवीनतम अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या इसमें एक कैमूर, बिहार वाला जो कैमूर है, क्या कैमूर से भी अशोक का कोई लघु लेख प्राप्त हो रहा है? उत्तर है हाँ। अब इन बातों को निश्चित रूप से आपको नोट करने की आवश्यकता है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अशोक का एक लघु लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। इसी क्रम में कनगनहल्ली का भी नाम आता है, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली में जो कुछ नाम लिखा हुआ उत्कीर्ण है, इसमें क्या नाम लिखा हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है रान्यो अशोक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रान्यो अशोक, रान्यो मतलब राजा, रान्यो अशोक शब्द लिखा हुआ है। नोट कर लेंगे इन सारी बातों को, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया कर्नाटक, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए, मध्य प्रदेश में ये जो देहर कुठार लिखा हुआ है, एग्जैक्ट शब्द है देऊर कुठार। ये जो देऊर कुठार नामक स्थान है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इस देऊर कुठार नामक स्थान से भी अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख प्राप्त हुआ है, यह कुछ नवीनतम साक्ष्य है। हालांकि अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है, अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अशोक का कुछ लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी हुई हैं, इस बात की जानकारी निश्चित रूप से होती है। देऊर कुठार, और यह भी जो देऊर कुठार है, यह 6 पंक्ति का यहां पे लेख प्राप्त हुआ है, 6 पंक्ति का लेख प्राप्त हुआ है, और यहां से एक स्तूप भी, अशोक के काल का निर्मित एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। न सिर्फ स्तूप प्राप्त हुआ है, बल्कि अशोक का 6 पंक्ति का लिखा हुआ लेख भी प्राप्त हुआ है। इन बातों को जरूर नोट करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्या नवीनतम कोई लेख प्राप्त हुआ है पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, आमतौर पे जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र आमतौर पे अशोक के जो अभिलेख पश्चिमोत्तर क्षेत्र से पाए गए हैं, वह किस भाषा लिपि वाले पाए गए हैं? तो आपको याद है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो कुछ अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं,
वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सामान्यतः खरोष्टी लिपि वाले लेख प्राप्त हुए हैं। क्यों भाई, सही है ना, खरोष्टी लिपि वाले लेख प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी देखने को मिलता है, अपवाद। और नवीनतम जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हीं में एक अपवाद है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र के एक स्थान से ब्राह्मी लिपि में भी लेख प्राप्त हो रहा है। वह कौन सा लेख है? बुनेर लेख है। कौन सा? बुनेर नामक स्थान से बुनेर लेख है पश्चिमोत्तर क्षेत्र का। यह वर्तमान में बुनेर कहां पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पेशावर के आसपास है कहीं बुनेर। यहां से एक लेख प्राप्त हुआ है, नवीनतम यह कुछ साक्ष्य हैं। और यह जो बुनेर लेख है वह खरोष्टी लिपि में नहीं है, वह ब्राह्मी लिपि में है। याद रहेगा। ये बुनेर लेख हो गया जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि से पाया गया यह लेख है। इसके अलावा एक दो बातें और। आमतौर पे आप लोग जानते हैं कि यह जो पृथक लेख है, पृथक शिलालेख कहां से पाए गए हैं? तो आप जानते हैं कि अशोक का जो पृथक शिलालेख है वह मेनली उड़ीसा से पाया गया है, धौली और जौगढ़ नामक स्थानों से पृथक शिलालेख पाए गए हैं। लेकिन नवीनतम साक्ष्य में एक और स्थान जुड़ता है। कौन सा? सन्नति से भी एक लेख प्राप्त हुआ है। और यह लेख किस श्रेणी का है? पृथक शिलालेख प्रकार का है। याद रहेगा, धौली और जौगढ़ परंपरागत रूप से हम जानते हैं पृथक शिलालेख वहां से प्राप्त हुआ है। लेकिन आपकी बड़ी परीक्षा के तरीकों को ध्यान रखते हुए कुछ अपवाद स्वरूप जो नई बातें हैं, निश्चित रूप से वह भी आपको जानकारी में होनी चाहिए कि सन्नति से भी यह नवीनतम साक्ष्य है, हाल फिलहाल में पृथक शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह सन्नति कहां पर है? तो आपको याद होगा यह भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। क्यों भाई, क्लियर है बात? ठीक है। ये नवीनतम अभिलेख की बात हो रही है तो लंपक का नाम भी आपने सुना होगा, लंपक या लमघाम अभिलेख। यह भी नवीनतम साक्ष्यों के श्रेणी में ही स्थान प्राप्त होता है। लंपक या लमघान अफगानिस्तान क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नहीं, अफगानिस्तान क्षेत्र से। अशोक की प्रशंसा में कुछ बातें लिखी हुई हैं। और तो और, किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आपको याद होगा सीरियाई भाषा का प्रयोग लंपक या लमघान अभिलेख में किया गया है। क्यों भाई, याद है? ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें आपको बताया जो कि कुछ नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अशोक के लेख शिलालेख से संबंधित। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये बात हो रही है दिव्यावदान को लेकर के, दिव्यावदान के संदर्भ में बात हो रही है। हाँ भाई, अब मुझे बाल पंडित, ठीक है, थोड़े से बारे में अगर प्रश्न यही पूछ लिया गया होता कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता? दिव्यावदान के अनुसार आपने उत्तर बताया कि बाल पंडित ने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया था। अगर यही प्रश्न पूछ लेता सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण किसने कराया था, आपको उत्तर बदल जाएगा। क्या होगा उत्तर बताएं? सिंघली अनुश्रुति। निग्रोथ या नग्रोथ,
ठीक है, इसमें सुसीम का जो बेटा था 7 वर्षीय था, जो कि बौद्ध भिक्षु बन गया था, ठीक है। कई किताबों में ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 7 वर्ष की आयु का था और इसने बौद्ध धर्म ग्रहण करा दिया अशोक को, ऐसा नहीं है। 7 वर्ष की आयु में निग्रोथ बौद्ध भिक्षु बन गया था, ठीक है, यह सच्चाई है। निग्रोथ जो है सिंहली अनुश्रुति कहता है, सिंहली अनुश्रुति का मतलब दीपवंश और महावंश, कहता है कि निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है। और काल क्रमेण मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर के यह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। तो दिव्यावदान के अनुसार उत्तर अलग है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार उत्तर अलग है। अब बात समझिए, लिखा हुआ है दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बाल पंडित। ये बाल पंडित कौन है, अर्थात इनको कह लीजिए उपगुप्त, अर्थात उपगुप्त याद रहेगा। हालांकि बाल पंडित ही उपगुप्त है, तमाम सारी किताबों में इसको भी लेकर के मत मतांतर देखने को मिलते हैं। कुछ किताब कहते हैं कि उपगुप्त ही बाल पंडित है, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है कि जैसे लगता है दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग बात क्या करेंगे कि बाल पंडित का मतलब है उपगुप्त, ठीक है, क्लियर है बात। बाल पंडित का मतलब है उपगुप्त, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता कि वेनसांग क्या कहता है इस संदर्भ में, वेनसांग के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेनसांग किसको श्रेय देता है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का। हाँ भाई, ये वेनसांग हो, या फिर याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण किताब है इस संदर्भ में, अशोकावदान, अशोकावदान, अशोकावदान और वेनसांग के अनुसार भी उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया हुआ था, ठीक है। सिंगली अनुश्रुति निग्रोथ को इस बात का श्रेय देते हैं। मुझे बात बताएं, एक काम किताब बताया था सामंत पासादिका, पासादिका या एक किताब बताया था पिछली क्लास में, यह किताब किसकी थी, यह किताब किसकी थी बताएं। किताब बताया हुआ था पिछली क्लास में, यह किताब किसकी थी, कौन था इसका लेखक, बुद्ध घोष कि अश्वघोष, बुद्ध घोष। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि बुद्ध घोष के अनुसार अगर यही प्रश्न आ जाए, क्योंकि बुद्ध घोष ने भी बौद्ध धर्म पे बहुत शानदार, बहुत चर्चित, बहुत लोकप्रिय किताबें लिखी हुई, यहां तक कि इनकी किताब को विश्वकोश की भी संज्ञा दी गई है। ये मुझे बताएं कि बुद्ध घोष को लेकर के ही अगर प्रश्न पूछ लिया जाता कि बुद्ध घोष या फिर सामंत पासादिका में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऐसे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं और आपको निश्चित रूप से जानना जरूरी है। यह भी किताब क्या कहता है, निग्रोथ को ही उत्तर बताता है जिसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया हुआ था अशोक को, ठीक है। नहीं, उपगुप्त नहीं, सामंत पासादिका में भी निग्रोथ को ही बताया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। लिखा हुआ है सुमेलित करने के लिए 8वां शिलालेख, रुम्मिदेई स्तंभ लेख, कंधार लेख, सारनाथ लेख, किस लेख से संबंधित इधर बातें लिखी हुई हैं, मुझे बताएं।
हाँ भाई, इत्मीनान से बिना किसी जल्दीबाजी के, ए अर्थात ए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, निश्चित रूप से ए विकल्प बिल्कुल सही है। यहां पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बौद्ध संघ में फूट न पड़े, इस संदर्भ में भी अशोक ने प्रयास किया हुआ है। नहीं, संघ भेद अभिलेख के रूप में ऐसे लेखों को जाना जाता है। प्रश्न यह बनेगा कि बौद्ध धर्म का संरक्षक है और संरक्षक होने के नाते ही अशोक के द्वारा संघ भेद अभिलेख जारी किए गए थे। प्रश्न यह बनेगा कि संघ भेद अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, संघ भेद अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। हाँ भाई, संघ भेद अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? क्या संघ भेद अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ है, बताएंगे हां या ना? संघ भेद अभिलेख क्या सांची से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी लिखा, सांची लिखा, सारनाथ लिखा, निश्चित रूप से संघ भेद अभिलेख जो है सांची से प्राप्त हुआ है, सारनाथ से प्राप्त हुआ है और कोसम अर्थात कौशाम्बी, वही इलाहाबाद वाला, ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो कंधार लेख है अरमाइक भाषा में, कंधार लेख कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है, कंधार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? या एक दूसरा प्रश्न भी बनेगा, क्या सर ए क्यूना नामक स्थान से, सर ए क्यूना नामक स्थान से, कंधार से ही संबंधित यह स्थान है, क्या कोई लेख प्राप्त हुआ है, क्या द्विभाषी लेख प्राप्त हुआ है? क्यों भाई, सर ए क्यूना, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रुमिनदेई स्तंभ लेख, क्या रुमिनदेई स्तंभ लेख में उद्बलिक प्रकार के शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या उद्बलिक, उद्बलिक शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? उत्तर है हां। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो अशोक का कुछ अशोक के लघु लेख के बारे में बात करते हैं, आपको जानकारी है कि लघु स्तंभ लेखों को क्या कहा जाता है, रॉयल स्टोन लेटर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। नहीं, अशोक के लघु स्तंभ लेख को रॉयल स्टोन लेटर के नाम से भी जाना जाता है, बात ठीक है। कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, एक तो यह बात, और दूसरी बात कि क्या कुछ खास बातें जहां से प्राप्त हो रही हैं, कुछ खास बातें भी लिखी हुई हैं क्या? याद रखिएगा, लघु स्तंभ लेख जो है वह सांची से प्राप्त हो रहा है, सारनाथ से प्राप्त हो रहा है, कौशाम्बी से प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा रुमिनदेई से भी प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा निगाली सागर मतलब निगलीवा ये स्थान है जहां से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हो रहे हैं। क्यों भाई, क्लियर है? ये जो सांची सारनाथ और कौशाम्बी है, इसे आपको बताया कि इसे संघ भेद लेख के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, संघ भेद लेख, ये जो कौशाम्बी है, क्या रानी से संबंधित कुछ बात भी यहां पर देखने को मिलती है क्या? क्यों भाई,
रानी से संबंधित बात देखने को मिलती है। लघु स्तंभ अलग है, लघु शिलालेख अलग है। उत्तर है हां। कौन सी रानी से संबंधित बात लिखी हुई है कौशाम्बी के इस लघु स्तंभ लेख में? कौन सी रानी के नाम का उल्लेख है, या इसे साम्राज्ञी का अभिलेख के नाम से भी जाना गया, साम्राज्ञी लेख के नाम से भी जाना गया? आपको याद होगा करुवाकी का उल्लेख है एंड एकमात्र पत्नी के रूप में करुवाकी के नाम का उल्लेख मिलता है और इसके पुत्र तीवर के नाम का उल्लेख मिलता है। यहां से नहीं, कौशाम्बी की ही बात हो रही है, करुवाकी और तीवर। अब ये जो निगलीमा है, थोड़ा सा इसको लेकर के बात कि भाई यहां पे निगलीमा या निगाली सागर यहां पे कौन से बुद्ध के एक स्वरूप से संबंधित पूजा पाठ अशोक के द्वारा किया गया था? आपको याद होगा कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की बात निगलीवा या निगाली सागर से जुड़ी हुई है। प्रश्न ये बनेगा कि ये जो स्तूप के आकार का संवर्धन किया, वृद्धि किया, विस्तार किया, प्रश्न ये बनेगा कि अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था यह कार्य, किस वर्ष यह कार्य किया गया था कनक मुनि बुद्ध? चौदह वर्ष बाद, ठीक है, बाद लिखा हुआ है हर जगह, 14 वर्ष बाद स्तूप के आकार का संवर्धन किया हुआ था। अगर प्रश्न यह पूछा गया, हम लोग लघु स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं ना, निगलीवा से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, समझिएगा, अगर प्रश्न यह पूछ लिया गया कि भाई यह जो निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ है लघु स्तंभ जो है, इसे राज्याभिषेक के किस वर्ष स्थापित कराया गया था अशोक के द्वारा, राज्याभिषेक के किस वर्ष इसे स्थापित कराया गया था? उत्तर बदल जाएगा, क्या होगा उत्तर भाई? निगाली सागर स्तंभ की बात हो रही है, इस स्तंभ से जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार का संवर्धन किया हुआ था, इसी स्तंभ से जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी यह भी मिलती है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहां की यात्रा की थी, और जब यात्रा की थी तभी यह स्तंभ स्थापित कराया हुआ था। तो याद रखना है कि अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद निगाली सागर स्तंभ की स्थापना हुई थी, न कि 26 वर्ष, ठीक है, याद रहेगा 20वें वर्ष बाद। देखा, एक छोटा सा प्रश्न था, खूब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन तमाम सारे लोगों के उत्तर गलत हो गए, ठीक है, तो ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा याद रखने की जरूरत है। निगाली सागर स्तंभ की स्थापना राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद हुई थी, जब अशोक यहां पर जाता है, कनक मुनि बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है, पूजा प्रार्थना करता है, उसी समय निगाली सागर स्तंभ की स्थापना हुई थी। फिर एक प्रश्न बनेगा कि कौन से एक स्तंभ से, किस स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलती है कि अशोक बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करता था, किस स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पूछा भी गया है। याद रखिएगा यह निगाली सागर ही वह स्तंभ है, लघु स्तंभ, जिससे जानकारी मिलती है कि अशोक बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करता था। याद रहेगा निगाली सागर ही है। अब एक और लघु स्तंभ लेख रह गया है, रुमिनदेई। रुमिनदेई, अब मुझे एक बात बताएं कि रुमिनदेई या लुम्बिनी की जो यात्रा कर रहा है, यात्रा राजाभिषेक के किस वर्ष कर रहा है? रुमिनदेई की जो यात्रा हो रही है राजाभिषेक के किस वर्ष हो रही है? हालांकि इसको भी लेकर के अभी बड़ा ही कंफ्यूजन है, अभी प्रश्न आएगा और मैं उस पर स्पष्ट करूंगा। हाँ, यहां पे आपको याद भी है कि रुमिनदेई जो स्तंभ है उद्बलिक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसे आर्थिक लेख भी कहा जाता है, आर्थिक लेख भी कहा जाता है। प्रश्न ये बनेगा, दो प्रकार के कर का उल्लेख है इसमें, दो कर का उल्लेख है, वह कौन कौन से कर हैं? दो करों का उल्लेख मिलता है, वह दो कर कौन कौन से हैं? भाग और बलि, ठीक है, भाग और बलि। अब मुझे एक बात बताएं, यह दोनों कैसे कर थे, कैसे कर हैं, मतलब किस प्रकार के कर हैं? ये दोनों अलग अलग कर हैं, इतनी मोटी बात है, आपको याद होना चाहिए। इसका अभिप्राय दूसरा है और यह दूसरे प्रकार का कर है। भाग क्या है? यह राजस्व है। कैसा? भू राजस्व है। यह कैसा है? भू राजस्व। और भाग को ही क्या किया? 1/6 से 1/8 कर दिया, यही था ना भाई? क्यों? यह बलि क्या है? ये बलि जो है भू राजस्व नहीं है, यह एक प्रकार का धार्मिक कर है। और आगे से अब याद रख लीजिएगा, मौर्य काल को लेकर के अगर प्रश्न बनता है और बलि पूछा जाता है, यह वैदिक कालीन जो बलि है ना, कुछ वैसा ही है, लेकिन अब यह आर्थिक रूप में नहीं जाना जा रहा है, बल्कि इस बलि को धार्मिक कर के रूप में जाना जाता है। यह क्या है? जो कुछ भेंट आदि दिया जाता है, भेंट उपहार जो दिया जाता है, वही बलि है, लेकिन अब इसका स्वरूप कैसा हो गया है? धार्मिक रूप से इसे वसूला जा रहा है। याद रहेगा, इसे अब धार्मिक रूप से वसूला जा रहा है। तो याद रखना है कि बलि क्या है? धार्मिक कर है। भाग क्या है? आर्थिक कर है, भू राजस्व है, 1/6 से 1/8 वाली बात। क्लियर है? स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार, निश्चित रूप से यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दें, ये बात तो हो गई, मुझे एक बात बता दें कि अशोक के किन लेखों को स्मृति लेख कहा जाता है? स्मृति लेख, अशोक के किन लेखों को स्मृति लेख कहा जाता है? उत्तर बताएं। स्मृति लेख याद होना चाहिए आपको, अशोक के दो स्तंभ लेखों को स्मृति लेख कहा जाता है, एक है रुमिनदेई और दूसरा है निगलीवा या निगाली सागर। निगलीवा, प्रश्न यह बनता है कि रुमिनदेई इस स्तंभ की खोज किसके द्वारा की गई थी? रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्यूरर, निगलीवा हो चाहे रुमिनदेई हो, खोज किसके द्वारा किया गया था? फ्यूरर के द्वारा किया गया था। क्लियर है? एक प्रश्न और बन सकता है,
आपको याद है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर आ रहा है 269 ईसा पूर्व। क्लियर है, अशोक राजा बन गया है 273 ईसा पूर्व में। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजा बन गया है 273 ईसा पूर्व में। लेकिन घर में इतनी समस्याएं थी, सत्ता के इतने दावेदार थे कि अपने विरोधियों को दुरुस्त करने में उसको 4 वर्ष लग गया। तो 273 में राजा भले ही बन गया है, लेकिन 4 वर्ष बाद जब बिल्कुल कूल हो गया कि अब कोई विरोध करने वाला नहीं है, सत्ता का अकेला दावेदार मैं ही हूं, तो 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। क्लियर है। प्रश्न यह बनेगा कि ये जो रुमिंदेई या निगाली सागर है, रुमिंदेई या निगाली सागर है, इन लेखों की रचना किस वर्ष की गई, किस वर्ष हुई, बताइए जरा इसका उत्तर। एक क्लू आपको दे दिया था राज्याभिषेक का वर्ष पूछ करके, सीधे सीधे भी यह प्रश्न मैं पूछ सकता था और तमाम सारे लोग फिर सोचते रह जाते इसका उत्तर कहां से आएगा। लेकिन क्ल्यू मिल चुका है आपको, 269 ईसा पूर्व राज्याभिषेक। तो आप बताएं कि रुमिंदेई या निगलीवा निगाली सागर स्तंभ लेख की रचना किस वर्ष हुई होगी? 269 राज्याभिषेक हो गया, इसका क्या हो जाएगा? 249 ईसा पूर्व। क्योंकि यह दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों में रुमिंदेई तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से यह वर्ष अब आपके लिए हमेशा ध्यान में रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा और बात एक दो बता दें। जैसे खोज किया था फ्यूरर ने, अगर मैं आपसे पूछूं अशोक के गुहा लेख भी प्राप्त हुए हैं, अशोक के गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मौर्य कालीन गुहा लेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर करिएगा जरा, गुहा लेख कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? बताएं, क्या बराबर से प्राप्त हुआ है? क्या नागार्जुनी से प्राप्त हुआ है? उत्तर है हां, प्राप्त हुआ है। अगर प्रश्न यह पूछा गया इनकी खोज, इन गुफाओं की खोज या इन गुफा लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्या होगा उत्तर? प्रश्न तो बनेगा ऐसा। प्रश्न तो बनेगा ना भाई कि किसके द्वारा इन गुहा लेख की या इन गुफाओं की खोज की गई थी जिससे मौर्यकालीन और जानकारी में वृद्धि हुई? हेरिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा? हेरिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा? हेरिंगटन के द्वारा। आपने लिखा बर्ड, अभी बर्ड के बारे में भी बात बताते हैं। बर्ड लिखा रहे, भूले नहीं, याद रहेगा। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, ये जो गुफाएं हैं, गुफाएं खोजी गई, गुफाएं मिली हेरिंगटन को, तो यहां पे जो कुछ लिखा हुआ था उसकी भी जानकारी हुई। तो इन गुफा लेख की जानकारी कौन दे रहा है? हेरिंगटन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। अब अगर पूछ लिया गया कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद भाई मतलब कौशाम्बी लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका उत्तर होगा बर्ड के द्वारा, याद रहेगा। क्यों भाई? इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? बर्ड के द्वारा, ठीक है। बर्ड। मास्की लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? मास्की लेख कितना महत्वपूर्ण है, जिनको न याद हो निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। मास्की लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी?
विडेन, इसके द्वारा विडेन के द्वारा कब 1915 में, ठीक है। चले तो ये तमाम सारी जानकारी आपको दिया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया क्या था, ए विकल्प सही था। आठवें की बात करेंगे, सम्राट अशोक का सातवां स्तंभ लेख कहां पाया जाता है, या कहां से पाया गया है, या कहां अभी वर्तमान में पाया जा रहा है। हाँ भाई, सातवां स्तंभ लेख अभी पिछले प्रश्नोत्तर में हमने लघु स्तंभ लेख के संदर्भ में तमाम जो भी सारी काम की बातें थी वो सब कुछ कर लिया, लघु स्तंभ लेख आपका तैयार हो गया। अब यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह बृहद स्तंभ लेख को पूछा जा रहा है, बृहद स्तंभ लेख। तो आज की क्लास में निश्चित रूप से आपका स्तंभ लेख तो पूरी तरह से तैयार हो जा रहा है। हाँ भाई, दिल्ली टोपरा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, स्तंभ लेख की संख्या अगर पूछा गया तो क्या होगा, स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया गया कि स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, उत्तर क्या होगा, स्तंभ लेखों की संख्या है भाई, ये लिखा है यहां पे, सातवां स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हो रहा है, दिल्ली टोपरा से प्राप्त हो रहा है। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7। ये जो स्तंभ लेख है बृहद स्तंभ लेख, कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 7 का मतलब क्या है, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, छठी बात, सातवीं बात, 7 बातें लिखी हुई हैं। स्तंभ लेखों की संख्या, बृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 बातें लिखी हुई हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, कितने स्थान से, बृहद स्तंभ लेख कितने स्थान से प्राप्त हो रहे हैं, 6 स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, 6 स्थान से। क्या ये जो 6 स्थान है दिल्ली टोपरा है क्या, उत्तर है हां। दिल्ली मेरठ है क्या, उत्तर है हां। इसके अलावा बताएं जरा, 4 के और नाम लिखिए, जरा 4 के नाम लिखिए और, कहां कहां से प्राप्त हो रहा है, सब जुबान पे बिल्कुल याद होना चाहिए, पढ़ने का मतलब ये, परीक्षा पास करने का मतलब ये कि सीधे सीधे जुबान पे याद होना चाहिए सब कुछ। ये 2 तो आपको पता है, स्तंभ लेख वृहद स्तंभ लेख यहां से प्राप्त हो रहे हैं, 6 में से 2 स्थान हो गया। हाँ भाई, प्रयाग, ठीक है, तीसरा हो गया प्रयाग, चौथा बताइए, क्या रामपुरवा नामक स्थान से प्राप्त हो रहा है, आप सारे लोग कहेंगे हां, मैंने लिख दिया तो आप कहेंगे हां, मुझे बताइए क्या रामपुरवा नामक स्थान से भी प्राप्त हो रहा है क्या वृहद स्तंभ लेख, उत्तर है हां, ठीक है भाई, ठीक ही लिखा था इस बार। अगर पूछा गया लौरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हो रहा है, उत्तर है हां। अगर पूछा गया कि लौरिया अरराज से भी प्राप्त हो रहा है क्या, उत्तर है हां। यह 6 स्थान है जहां से वृहद स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये जो टोपरा से प्राप्त हुआ या मेरठ से प्राप्त हुआ, इनको दिल्ली लाया गया, या दिल्ली लाया गया किसके द्वारा, लाया गया किसके समय काल में, किसके आदेश पर, तो फिरोज शाह तुगलक के समय काल में लाया गया। जानकारी कहां से मिलती है, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है कि टोपरा स्तंभ लेख को, मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था टोपरा और मेरठ से, जानकारी कौन देता है,
शम्स ए सिराज अफीव, शम्स ए सिराज अफीव, ठीक है। कौन सी किताब में देता है, किताब भी तो पूछा जा सकता है, व्यक्ति का नाम ना पूछ करके किताब भी पूछा जा सकता है। शम्स ए सिराज अफीव कौन सी किताब में इस बात की जानकारी दे रहे हैं, तारीख ए फिरोज शाही में, ठीक है, तारीख है फिरोज शाही में। ये जो दिल्ली टोकरा है इसको कहां पर दिल्ली में स्थापित कराया गया, दिल्ली टोकरा को कहां पर स्थापित कराया गया, दिल्ली मेरठ वाले को कहां स्थापित कराया गया, प्रश्न ये भी बनेगा। फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में, ठीक है, अर्थात फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के नाम से भी जाना जाता था ये, ठीक है। जबकि मेरठ वाले को कुश्क ए शिकार, कुश्क ए शिकार, क्यों भाई यही है ना, कुश्क ए शिकार जी, ठीक है। एक प्रश्न, अब ये बातें हो रही थी, एक प्रश्न और बनता है बड़ी परीक्षा के लिए। अगर कभी यह पूछा गया कि ये टोकरा से, टोकरा का मतलब क्या है आपको पता ही होगा, मेरठ से ये दिल्ली स्तंभ लाया जा रहा है, दिल्ली लाया जा रहा है, प्रश्न ये बनेगा कैसे लाया गया, किस यंत्र का प्रयोग करके इनको यहां से दिल्ली लाया गया था, प्रश्न ये भी एक है। फिरोज शाह तुगलक के समय काल में टोकरा और मेरठ से स्तंभ लेख दिल्ली आ रहे हैं, किस यंत्र के माध्यम से, किस सवारी के माध्यम से इनको लाया गया था, पता होगा ये, याद रखिएगा, ठीक है। चरखी, चरखी या इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैप्स्टन, कैप्स्टन कहा जाता है, ठीक है, नामक यंत्र से लाया गया था। और इस बात की जानकारी, इस बात की जानकारी एक किताब में है कि इस यंत्र का प्रयोग करके टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया गया था इन दोनों स्तंभों को। इस बात की जानकारी है कि चरखी या कैप्स्टन नामक यंत्र का प्रयोग करके इनको दिल्ली लाया गया था। जानकारी कहां से मिलती है, चित्र बना करके इसका वर्णन किया गया है एक किताब में, जिसका नाम है सीरत ए फिरोज शाही, याद रहेगा, सीरत ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही में सचित्र वर्णन किया गया है चरखी नामक यंत्र बना करके उसके ऊपर यह स्तंभ लेख एडजस्ट किया गया है, रखा गया है, चित्र बना करके इस किताब में इस बात की जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके अलावा सातवां स्तंभ लेख पूछा है, सात ही संख्या में है लेख, सातवां का मतलब क्या हो गया, इस प्रश्न को ऐसा भी कहा जा सकता है अशोक के किस लेख में सातों स्तंभ लेख उपलब्ध हैं, सातों स्तंभ लेख, थोड़ा सा घुमा दिया टर्म को, सातवां स्तंभ लेख पूछ दिया, सातों कहां पर है, दिल्ली टोपरा वाले में सातों स्तंभ लेख, छह स्थानों में से दिल्ली टोपरा में ही सातों बातें लिखी हुई हैं, जो शेष पांच स्थान से प्राप्त हो रहे हैं, शेष पांच, कुल छह स्थानों से था ना, कुल छह स्थानों से प्राप्त हुआ है वृहत स्तंभ लेख, और छह में से एक दिल्ली टोपरा में सारे बातें, सातों बातें लिखी हुई हैं, तो शेष कितने स्थान से, शेष पांच स्थानों से प्राप्त, से प्राप्त स्तंभ लेख, मतलब वृहत स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, कि संख्या छह है, छह है, क्यों भाई बात स्पष्ट है, ठीक
ठीक है। अब ये जो दिल्ली टोकरा स्तंभ है ना, एक अन्य राजा का भी अभिलेख खुदा हुआ है इस पर, एक अन्य राजा का भी लेख इस पर खुदा हुआ है दिल्ली टोकरा पर। अशोक का भी है, किसी एक और राजा का है, वह राजा कौन है? विग्रहराज, दिल्ली टोकरा की बात हो रही है, विग्रह राज चतुर्थ दिल्ली टोकरा पर, विग्रहराज चतुर्थ का भी है, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। तो ये तो हो गई दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ आदि की बात। ये जो प्रयाग है ना, प्रयाग स्तंभ लेख, वही प्रयाग प्रशस्ति वाला प्रयाग स्तंभ पर कुल कितने राजा के लेख हैं, के लेख, प्रयाग स्तंभ जो कौशाम्बी वाला था, जो प्रयाग लाया गया अकबर के समय काल में, कुल कितने राजाओं के लेख हैं इस पे? 3 राजाओं के लेख हैं। ठीक है, चले बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 3 राजा कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, तीसरा अकबर या जहांगीर, जल्दी से बताइएगा, तीसरा अकबर या जहांगीर। तीसरा अकबर या जहांगीर? जहांगीर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अशोक स्तंभों पर जो पशु आकृतियां हैं, ये जो अशोक स्तंभ हैं, ये जो गोल चौकी है उस पर जो पशु आकृतियां हैं, वह यूनानी प्रभाव को दर्शाता है, मतलब अशोक के जो स्तंभ हैं वह प्रेरणा अशोक को स्तंभ निर्माण की कहां से मिली? यूनान से प्रेरित था अशोक, अशोक के स्तंभों पर जो पशु आकृतियां हैं वह यूनानी कला से प्रभावित हैं, इस बात की जानकारी कौन देता है? एक लाइन का तथ्य है, बस सीधे सीधे याद कर लेना है, निहार रंजन राय है, निहार रंजन राय, निहार रंजन राय कहते हैं कि अशोक स्तंभ यूनानी प्रेरणा से अशोक द्वारा निर्गत कराए गए हैं, निर्मित कराए गए हैं। अशोक स्तंभों पर जो पशु आकृतियां हैं यूनानी कला से प्रभावित है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है, अशोक स्तंभ और शीर्ष पर पशु आकृति? सारनाथ पर क्या 4 शेर बने हुए हैं, रामपुरवा में क्या वृषभ आकृति है, संकिशा में अश्व है, लौरिया नंदनगढ़ में शेर है, बताएंगे कौन सा एक गलत है? सी उत्तर दे रहे हैं, सी का मतलब संकिशा निश्चित रूप से गलत है। संकिशा में क्या है? संकिशा में हाथी है। तो प्रश्न बनेगा कि अशोक के कौन से एक स्तंभ पर घोड़े की आकृति बनी हुई है, कोई बताए, अशोक के किस एक स्तंभ पर घोड़े की आकृति बनी हुई है? याद रखिएगा, अशोक की आकृति जो बनी हुई है वह रुम्मिनदेई जो स्तंभ है ना, अशोक का सबसे छोटा, इसे ही कहा जाता है ना, सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुम्मिनदेई से जो लघु स्तंभ प्राप्त हुआ है उस पर अश्व की आकृति बनी हुई है। 4 शेर की बात की जा रही है, तो 4 शेर क्या सिर्फ सारनाथ में प्राप्त हुआ है या कहीं और के स्तंभ से भी 4 शेर प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। 4 शेर क्या सिर्फ और सिर्फ सारनाथ से प्राप्त हुआ है, सांची से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है,
तो चार शेर सारनाथ से भी और सांची से भी प्राप्त हुआ है। वृषभ की बात करते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ रामपुरवा से ही वृषभ आकृति प्राप्त हुई है? क्या वृषभ आकृति सिर्फ और सिर्फ रामपुरवा से ही प्राप्त हुई है क्या? क्यों भाई? उत्तर है हां। ठीक है, उत्तर है हां। रामपुरवा से वृषभ की आकृति प्राप्त हो रही है और रामपुरवा से क्या शेर की भी आकृति प्राप्त हो रही है? क्या रामपुरवा से वृषभ की आकृति प्राप्त हो रही है? क्या रामपुरवा से शेर की भी आकृति, एक शेर की आकृति भी प्राप्त हो रही है? क्या उत्तर है हां। ठीक है, जब एक शेर की बात आ रही है तो क्या सिर्फ और सिर्फ रामपुरवा से ही एक शेर की आकृति प्राप्त हुई है या कहीं और से भी एक शेर की आकृति प्राप्त हुई है? सिर्फ रामपुरवा से एक शेर या कहीं और से भी एक शेर की आकृति? लौरिया नंदनगढ़ से भी एक शेर की आकृति प्राप्त हो रही है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ से भी। चले थोड़ा सा गति में काम कर लेते हैं, जितने प्रश्न हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन मिलता है? मोर का उत्कीर्णन लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, सारनाथ। मोर का उत्कीर्णन लौरिया नंदनगढ़ निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि दाना चुंगते हुए हंस की आकृति का उत्कीर्णन कहां से प्राप्त हुआ है? दाना चुंगते हुए हंस, दाना चुंगते हुए हंस लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, इन दोनों जगहों से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें दाना चुंगते हुए हंस की आकृति का अंकन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि मौर्यों का राज चिन्ह क्या था? मौर्यों का राज चिन्ह, अगर पेपर में प्रश्न यह पूछ लिया गया उत्तर क्या होगा? मौर्यों का राज चिन्ह, मयूर। ठीक है, मोर। प्रश्न ये बनेगा कि कौन सा एक इतिहासकार है या विद्वान है जिसने किस इतिहासकार ने बताया था कि मौर्यों का राज चिन्ह मोर है? कोई बताएगा? याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ग्रेन वेडल ने बताया था सबसे पहले कि मौर्यों का राज चिन्ह मयूर है। एक और बात कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महास्तूप की संज्ञा किसे दी गई है? महास्तूप किसे कहा जाता है? आपको याद होगा सांची का जो स्तूप है उसे महास्तूप कहा गया है। ठीक है, सांची स्तूप को महास्तूप की संज्ञा है और सांची महास्तूप के प्रवेश द्वार पर बहुत सारे मोर का उत्कीर्णन किया गया है। याद रहेगा, सांची महास्तूप के प्रवेश द्वार पर मोरों की आकृति का अंकन मिलता है। क्लियर है बात?
ठीक है, लिखा हुआ है प्रश्न कि अर्थशास्त्र के विवरण अनुसार बाजार नीति का नियंता कौन था? हट्टपति, महामुद्राध्यक्ष, द्रांगिक, पन्याध्यक्ष। तो ये हट्टपति कहां से आ रहा है? आपने निश्चित रूप से पन्याध्यक्ष का नाम सुना होगा। वाणिज्य अधीक्षक कौन था? पन्याध्यक्ष था। क्या होगा सही उत्तर? ये होगा ना, पन्याध्यक्ष होगा ना। वाणिज्य का प्रमुख कौन था? वाणिज्य का अध्यक्ष कौन था? पन्याध्यक्ष है ना। बाजार नीति का नियंत्रक कौन होगा? अर्थात वाणिज्य गतिविधि का प्रमुख कौन है? पन्याध्यक्ष है। ये उत्तर होगा ना। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मौर्य प्रशासन, ये मौर्य प्रशासन को लेकर के प्रश्न है, मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न है, मुझे बताएं कि क्या मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकार का प्रशासन था? क्या अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकार का था, हां या ना? क्या मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकार का प्रशासन था? उत्तर है हां। मुझे एक बात बताएं कि वह कौन सा एक इतिहासकार है, वह कौन सा एक इतिहासकार है जिसने मौर्य प्रशासन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, राजकीय निरंकुशवाद शब्द का प्रयोग किया है? वह इतिहासकार कौन है जिसने मौर्य प्रशासन के लिए राजकीय निरंकुशवाद शब्दावली का प्रयोग किया है? राजकीय निरंकुशवाद मौर्य प्रशासन के लिए किसने इस शब्दावली का प्रयोग किया है? भंडारकर ने। किसने? इतिहासकार भंडारकर हैं। भंडारकर ने राजकीय निरंकुशवाद कहा है। क्या कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं क्या कि मौर्य राज्य को एक पुलिस राज्य भी कहते हैं? क्या कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं क्या जो मौर्य राज्य के लिए एक पुलिस राज्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं? बहुत सारे हैं, ठीक है। क्या मौर्य प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य को दर्शाता है? क्या मौर्य राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य था? उत्तर है हां। फिर एक प्रश्न बनेगा, किसने कहा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है? यह बात किसने कही थी? मौर्य काल के इतिहास के अंतर्गत प्रजा के सुख में राजा का सुख है, यह बात किसने कही थी? राजा का सुख है। यह मौर्य राज्य को एक कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करते हुए कथन है, यह कथन किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, चाणक्य से संबंधित है, ठीक है, चाणक्य से संबंधित है। अब मुझे एक बात बताएं कि मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, मौर्य प्रशासन में जो अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, तो एक परीक्षण पहले किया जाता था, वह परीक्षण कौन सा परीक्षण था? अधिकारियों की नियुक्ति के पहले एक परीक्षण किया जाता था, वह परीक्षण उपधा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मौर्य प्रशासन में मंत्रिण भी कोई शब्दावली प्रयोग हुई है?
क्या मंत्रिपरिषद शब्दावली का प्रयोग किया गया है? क्यों भाई, क्या मंत्रिणा भी कुछ चीज थी? उत्तर है हां। क्या मंत्रिपरिषद शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है? उत्तर है हां। प्रश्न यह बनेगा कि मंत्रिणा का आकार बड़ा था या मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा था? किसका आकार बड़ा था? सारी चीजें अपने आप से अभी रिवाइज हो जाएंगे और बहुतों को जानकारी नहीं होगी, अभी जानकारी भी हो जाएगी। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा था, ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा था। आज भी आप देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन होता है सरकार बनने के बाद, और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी होता है, उपमंत्री भी होते हैं। तो यह जो आकार होता है मंत्रिपरिषद का वह बड़ा होता है। इसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं और उपमंत्री भी होते हैं। इन सबको मिलाकर के मंत्रिपरिषद कहा जाता है। फिर एक प्रश्न बनेगा कि मंत्रिणा की तुलना वर्तमान में किससे की जा सकती है? तो मंत्रिणा की तुलना वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर्स से की जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर। अब प्रश्न यह बनेगा कि यह जो मंत्रिणा है इनकी संख्या मौर्य प्रशासन में सामान्यतः कितनी होती थी? 8-10 होते थे, 1-2 होते थे, 4-5 होते थे या 15-20 होते थे? कितनी संख्या होती थी मंत्रिणा की? मंत्रिणा की संख्या लगभग कितनी होती थी? चार पांच की संख्या में, ठीक है, 4-5 की संख्या में यह मंत्रिणा की संख्या होती थी। अब प्रश्न यह बनेगा कि भाई यह जो मंत्रिणा है, मंत्रिणा जो है, प्रश्न यह है क्या इसमें प्रधानमंत्री शामिल है? क्या चाणक्य, राधा गुप्त जैसे प्रधानमंत्री इसमें शामिल है? उत्तर है हां। लेकिन क्या इसमें युवराज भी शामिल है? क्या क्या मंत्रिणा में युवराज भी शामिल है? क्या बस हां हां ना ना करते चले जाए, ठीक है। क्या इसमें पुरोहित भी शामिल है? क्या पुरोहित शामिल है? क्या इसमें सन्निधाता, सन्निधाता शामिल है? क्यों भाई, उत्तर है हां। क्या इसमें सेनापति भी शामिल है? उत्तर है हां। अब यह सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं प्रशासन के। प्रश्न यह बनेगा कि इनका जो वेतन होता था वह वेतन सर्वाधिक होगा, क्यों? राजा के बाद अगले राज्य में यही लोग हैं, इनका वेतन सर्वाधिक होगा। प्रश्न यह बनेगा कि मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन कितना दिया जाता था? मौर्य काल में सर्वाधिक वेतन कितना दिया जाता था और उन लोगों को उतना वेतन मिलता रहा होगा? हाँ भाई, 48,000 पण, ठीक है, 48,000 पण, 48,000 पण ये दिया जाता था। फिर एक प्रश्न बनेगा कि क्या मौर्य काल में वेतन नगद ही दिया जाता था या वेतन नगद के अलावा दूसरे स्वरूप में भी दिया जाता था? क्यों भाई, मौर्य काल में क्या वेतन नगद रूप में ही सिर्फ दिया जाता था या दूसरे रूप में भी दिया जाता था? उत्तर आ रहा है कि वेतन जो है वह दोनों रूपों में दिया जाता था। यह गलत है, याद रखिएगा, यह जो वेतन दिया जाता था कर्मचारियों को, अधिकारियों को, यह नगद रूप में ही होता था, याद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नगद रूप में यह वेतन दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ नगद रूप में यह वेतन दिया जाता था, ठीक है। दूसरी बात कि वेतन की बात हो रही है तो सर्वाधिक 48,000 पण। फिर प्रश्न बनेगा सबसे कम वेतन कितना दिया जाता था? सबसे कम वेतन कितना दिया जाता था?
सबसे कम 60 पण दिया जाता था, 60 पण दिया जाता था। अब समझिएगा ये जो मंत्रणा शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें ये सारे लोग शामिल हैं, लेकिन सर्वाधिक वेतन जो मिल रहा है वह 48,000 पण मिल रहा है। तमाम सारी किताबों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जबकि समझना यह है कि ये जो युवराज है, युवराज इसका वेतन सबसे ज्यादा है। समझिएगा बात को, इसका वेतन सब, इसमें भी क्रोनोलॉजी बटी हुई है। युवराज का वेतन जो कि प्रांत अधिपति भी होता था, इसका वेतन सबसे ज्यादा होता था। कुछ कम वेतन प्रधानमंत्री पुरोहित का होता था, इसके बाद सन्निधाता सेनापति इन लोगों का और कम होता था। और जहां तक मुझे ध्यान में है कि इन लोगों का जो वेतन हो रहा है, मुझे जहां तक ध्यान में है लगभग 10,000 पण, कितना 10,000 पण इन लोगों का वेतन होता था, जबकि प्रधानमंत्री का और ज्यादा, पुरोहित का और ज्यादा वेतन होता था। कहने का मतलब है कि एक यहां भी क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है, इस बात को याद रखना है एक बात, ठीक है। दूसरी बात, क्या अशोक के अभिलेख में, क्या अशोक के अभिलेख में, अभिलेख में क्या मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है? क्या अशोक के अभिलेख में मंत्री परिषद शब्दावली का प्रयोग किया गया है? उत्तर है नहीं, मंत्री परिषद शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रहेगा, ठीक है, परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। अब याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परिषद शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए ये बातें। अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि अशोक के अभिलेख में परिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। और तो और एक यूनानी भी है इस समय, मेगास्थनीज ने किस शब्द का प्रयोग किया है परीक्षा के लिए या मंत्री परिषद के लिए, कोई बता दे। मेगास्थनीज ने परीक्षा या मंत्री परिषद के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया है? क्या सूने ड्राई शब्द का प्रयोग किया है? क्या सूने ड्राई शब्द का प्रयोग किया है, याद रहेगा, नहीं पता हो जिसको भी नोट कर ले, सूने ड्राई शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अब ये जो वेतन हो गया पण में दिया जाता था, तो अगर प्रश्न पूछा गया कि मौर्य काल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता था वह स्वर्ण सिक्के में दिया जाता था, चांदी के सिक्के में दिया जाता था, तांबा के सिक्के में दिया जाता था, या मिश्रित प्रकार का सिक्का था उसमें दिया जाता था, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्यों भाई, उत्तर क्या होगा? चांदी। अब कुछ अधिकारियों के नाम की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। सन्निधाता किस विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी था 8-10 अधिकारियों के मौर्य प्रशासन के संदर्भ में? सन्निधाता, जल्दी लिख करेंगे, सन्निधाता। समाहर्ता क्या होता था? सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, समाहर्ता समाहर्ता राजस्व
ठीक है, राजस्व। अगर कभी प्रश्न यह पूछ लिया गया कि बजट कौन तैयार करता था, प्रत्येक वर्ष मौर्य आर्थिक गतिविधियों संबंधित बजट या आय व्यय का लेखा जोखा जो होता था वह सन्निधाता प्रस्तुत करता था या समाहर्ता प्रस्तुत करता था? समाहर्ता करता था, ठीक है, समाहर्ता। अब प्रश्न एक और बनेगा कि मौर्यों का वित्तीय वर्ष जो है किस महीने से आरंभ माना जाता था? जैसे भारत में पहले मार्च चलता था, अब फरवरी चल रहा है वित्तीय वर्ष की शुरुआत, वैसे ही मौर्य काल में वित्तीय वर्ष का आरंभ जुलाई अर्थात आषाढ़ का महीना, ठीक है, आषाढ़ अर्थात जुलाई। प्रदेष्ट्रा क्या होता था? प्रदेष्ट्रा क्या होता था? प्रदेष्ट्रा प्रदेष्ट्रा न्यायालय से संबंधित, कौन से न्यायालय? फौजदारी न्यायालय से संबंधित, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय से संबंधित। कर्मांतिक क्या होता था? कर्मांतिक क्या होता था? उद्योग। अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त या अशोक या बिंदुसार या जो भी, मौर्य सम्राट की निजी जो अंगरक्षक सेना होती थी, सम्राट की निजी अंगरक्षक जो सेना होता था इसका प्रमुख क्या कहलाता था? सम्राट के अंगरक्षकों का प्रमुख क्या कहलाता था? एक और प्रश्न, राजमहल की सुरक्षा या देख रेख से संबंधित अधिकारी कौन होता था? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर अंतवार्षिक हो गया, अंतवार्षिक। इसका उत्तर क्या होगा? द्वारिक, द्वारिक, बहुत बढ़िया, द्वारिक। कुछ भी आ जाएगा जो हम लोग यहां पे लिख करके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं ना, आपकी परीक्षा में देखेगा इन्हीं में से कुछ आ जाएगा। सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी कौन था? सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी, अंतपाल। निश्चित रूप से अगर पढ़ाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें तनिक भी दोराय नहीं है, इसमें तनिक भी दोराय नहीं है, सफलता मिल ही जाएगी। मुझे बताएं कि चरागाह का अधिकारी कौन होता था? चरागाह का, चरागाह, विविता अध्यक्ष, ठीक है। व्यापारिक मार्गों का प्रमुख कौन होता था? व्यापारिक मार्ग का प्रमुख कौन होता था? व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक मार्ग। माप तौल का अधिकारी कौन था? माप तौल, ठीक है, संस्था अध्यक्ष हो गया व्यापारिक मार्ग का। माप तौल। अगर पूछ लिया गया छापा खाना या टकसाल पूछ लिया का प्रमुख अधिकारी कौन था?
पोतवाध्यक्ष मापतोल हो गया, ठीक है। अगर पूछ लिया गया महालेखाकार जो होता था उसे क्या कहा जाता था, महालेखाकार को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, छापाखाना या टकसाल का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष हो गया, महालेखाकार को किस नाम से जाना जाता था, अक्षपटलाध्यक्ष, ठीक है, अक्षपटलाध्यक्ष। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, प्रांत, चक्र कहा जाता था, शाबाश। अगले प्रश्न में बात करेंगे, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था, भूमि संबंधी कर नहीं था, उत्तर करेंगे, भूमि संबंधी कर नहीं था, डी अर्थात शुल्क। तो प्रश्न यह बनेगा कि शुल्क क्या था, शुल्क नामक कोई कर था क्या, क्या मौर्य काल में शुल्क नामक भी कोई कर होता था, हां या ना। चुंगी जो वसूली जाती थी उसे शुल्क कहा जाता था, सीमा पर जो टैक्स लगता था वह शुल्क कहलाता था, जो मार्गों पर टैक्स वसूला जाता था उसे शुल्क कहा जाता था, क्लियर है बात। अगर प्रश्न पूछा गया कि भाग किस प्रकार की भूमि से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था, भाग, उत्तर क्या होगा, भाग किस प्रकार के भू राजस्व को कहा जाता था, क्यों भाई, भाग बताया हुआ है, पिछली क्लास में ही बताया हुआ है, भाग एक प्रकार का भू राजस्व था, लेकिन प्रश्न यह बनता है कि भाग किस प्रकार की भूमि से वसूल किया जाता था। भूमि मोटे तौर पे दो प्रकार की बताई है, एक तो राजकीय भूमि और एक निजी भूमि भी बताई है। तो यह कौन सी भूमि, तो निजी भूमि का जो मालिक होता था उससे भाग वसूल किया जाता था, याद रहेगा। दूसरी बात, यह जो उदक है यह किस प्रकार का कर होता था, उदक किस प्रकार का कर था, उदक किस प्रकार का कर था, सिंचाई कर था, सिंचाई कर था, उदक भाग, बलि, बलि, बलि का उल्लेख कहां मिलता है, बलि नामक कर का उल्लेख कहां मिलता है, बताएं कौन से एक लेख में बलि नामक कर का उल्लेख हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। रोमिन देई, ठीक है, रोमिन देई में भाग और बलि दोनों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। चले अगला प्रश्न, लिखा हुआ है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था, मतलब पहले कहां गए, फिर कहां गए, फिर कहां गए, प्रश्न ये पूछ रहा है। अशोक धम्म यात्रा कर रहा है, धम्म यात्रा कर रहा है, मेरी बात को सुनेंगे, कंफ्यूजन होगा आपको, सुने, धम्म यात्रा कर रहा है,
अर्थात यह तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा को क्या कहा गया है? धम्म यात्रा कहा गया है। प्रश्न यह बनता है कि मौर्य राजा अशोक किस प्रकार की यात्रा को त्याग करके तीर्थ यात्रा करना शुरू किया था, बताएंगे। अशोक ने किस प्रकार की यात्रा को त्याग दिया और उसके स्थान पर धम्म यात्रा तीर्थ यात्रा करना शुरू किया था? कौन सी यात्रा को त्याग करके धम्म यात्रा की शुरुआत किया था? आपको याद होगा विहार यात्रा, मनोरंजन के लिए जो विहार यात्रा होती थी उसके स्थान पे धम्म यात्रा की शुरुआत किया हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा बात को जरा, ये जो प्रश्न है ना इसको लेकर के दो प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। अशोक की धम्म यात्राएं, कुल कितनी रातें बिताया था धम्म यात्रा में? कुल कितनी रातें बिताया था? और दोनों ही बातों को याद करना है आपको, दोनों ही प्रकार की बातों को याद करना है। पेन कॉपी उठा करके दोनों बातें लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं। एक, धम्म यात्राओं को लेकर के अधिकांश इतिहासकार क्या रूट बताते हैं, और दूसरी ओर विंसेंट स्मिथ, वी ए स्मिथ, एक इतिहासकार, इन्होंने क्या रूट बताया। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण है, दिव्यावदान, दिव्यावदान, ये दो, एक इतिहासकार और एक दिव्यावदान, और एक तरफ अधिकांश इतिहासकार, दो अलग अलग रूट ये लोग बताते हैं। अशोक की धम्म यात्राओं को लेकर के ये दो अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। ये जो अधिकांश इतिहासकार हैं, पेन कॉपी उठाइएगा, मैं बोल रहा हूं, साथ में लगे हाथ नोट कर लीजिएगा, और दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों प्रकार के उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यह जो प्रश्न पूछा हुआ है इस वाले को लेकर के पूछा हुआ है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एरो दे दे करके, वो सारे नाम नोट कर लीजिए, लिखेगा जरा कि अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार, लिखेगा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने क्रमशः बोध गया, एरो कपिलवस्तु, बोध गया एरो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नहीं, कुशीनगर, बोध गया कुशीनगर, ऐसे लिखें, बोध गया कुशीनगर एरो लुम्बिनी, बोध गया कुशीनगर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु एरो सारनाथ, एरो श्रावस्ती की यात्रा की थी, पैराग्राफ चेंज करके, दिव्यावदान में बहुत प्रामाणिक किताब है, बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान में अशोक की धम्म यात्राओं का विस्तार से, दिव्यावदान में अशोक की धम्म यात्राओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह भी अपने आप में प्रश्न बनेगा, दिव्यावदान और विंसेंट स्मिथ के अनुसार, दिव्यावदान और विंसेंट स्मिथ के अनुसार इसकी धम्म यात्राओं का क्रम है, इसकी धम्म यात्राओं का क्रम है
डैश लुम्बिनी, लुम्बिनी एरो कपिल वस्तु, एरो बोध गया, एरो सारनाथ, एरो श्रावस्ती, एरो कुशीनगर, बात स्पष्ट हो गई होगी धम्म यात्रा को लेकर के। अब प्रश्न पे आवें, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, किस मार्ग का अनुगमन किया, पहले कहां गए फिर उसके बाद कहां गए, बताएंगे अब उत्तर क्या होगा। अब बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर है, सबसे पहले सबसे अच्छा विस्तार से वर्णन दिव्यावदान में किया गया है, ठीक है, दिव्यावदान किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले इन्होंने कहां की यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा की थी, याद रहेगा, ठीक है, उसके बाद कपिल वस्तु की यात्रा की थी, फिर इसके बाद गया की यात्रा की थी, फिर इसके बाद सारनाथ की यात्रा की थी, फिर इसके बाद श्रावस्ती की यात्रा की थी, और इसके बाद लास्ट में कुशीनगर की यात्रा की थी, यह क्रम बनेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, द होगा, फिर ब होगा, फिर अ होगा, द ब अ, फिर उसके बाद क्या होगा, यह सारनाथ, फिर उसके बाद क्या होगा, श्रावस्ती, ये ऐसे कर लीजिएगा र फिर स, ठीक है, यह क्रम बनेगा, यह डी विकल्प सही हो जाएगा, क्लियर है बात। श्रावस्ती, फिर उसके बाद कुशीनगर, श्रावस्ती का मतलब र और उसके बाद लास्ट में स, यह डी विकल्प सही होगा, क्योंकि दिव्यावदान में यही क्रम बताया गया है, ठीक है, दो प्रकार के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलें अगले प्रश्न बात करेंगे। 15वां लिखा हुआ है कि अशोक के निम्नलिखित कार्यों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, आजीविकों आजीविक समुदाय वालों को दो गुहाओं का दान देना, लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा, बोध गया की तीर्थ यात्रा, कोण गमन बुद्ध स्तूप का अभिवर्धन। अब सोचिए कौन कौन से वर्ष में यह सारी बातें हुई थी। आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ी में दो गुफाओं का दान किया, किस वर्ष किया था, क्यों भाई, आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ी में दो गुफाओं का दान किया था अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा कब किया था, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, बोध गया की यात्रा कब किया था, 10वें वर्ष किया हुआ था, और बुद्ध स्तूप का कोण गमन, बुद्ध स्तूप का अभिवर्धन अर्थात निगाली सागर की बात हो रही है, कब किया था इसने, 14वें वर्ष नहीं, और यात्रा 20वें वर्ष कर रहे हैं, क्या होगा उत्तर, क्या हो जाएगा, क्रम से लगाना है, सबसे पहले सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ए विकल्प होगा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए ना भाई, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है,
अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से आपका आंख और दिमाग दोनों खोलने की जरूरत है, और वही मैं काम कर रहा हूं। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वर्ष भी निश्चित रूप से याद होना चाहिए आपको। क्लियर है बात? चले मुझे बताएं कि अशोक ने कलिंग विजय किया था, किस वर्ष किया था? अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, किस वर्ष किया था? लिखा हुआ है 8वें वर्ष के बाद, तो 8वां याद रखना है। 8वें वर्ष के बाद लिखा हुआ है तो यह याद रखना है, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया बोध गया की यात्रा करते हैं 10वें वर्ष। फिर यह भी आपको पता हो गया आजीवक संप्रदाय के लोगों को 2 गुफाओं का दान कर रहे हैं 12वें वर्ष। 14वां वर्ष ये भी याद हो गया आपको निगलीवा को लेकर के। कुछ और पूछ लेते हैं आपसे। मुझे यह बताएं कि युक्त रज्जुक प्रादेशिक इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति किस वर्ष किया था? युक्त रज्जुक प्रादेशिक, और नोट करते रहिएगा, जिनको पता है वो उत्तर बताएं, जिनको नहीं पता है वो न बताएं, लिख ले। बल्कि युक्त रज्जुक प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? युक्त रज्जुक प्रादेशिक, आपने दीर्घ शिलालेख संख्या 3 में इन 3 के नाम पढ़े होंगे। युक्त रज्जुक प्रादेशिक, बारहवें वर्ष। कहां से जानकारी मिल रही है? दीर्घ शिलालेख संख्या 3 में मिल रही है। धम्म महामात्य अधिकारी की नियुक्ति किस वर्ष कर रहा है? कुछ प्रमुख वर्ष आपको याद करा देते हैं। धम्म महामात्य की नियुक्ति तेरहवें वर्ष के बाद। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए, समझ रहे हैं? आप ऐसे याद करिए, इस प्रकार की शब्दावली लिखी गई है वहां पे, तो जो एग्जैक्ट यह टर्म लिखा हुआ है ना, उसी को याद करिए, बाद छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोणगामन बुद्ध स्तूप का अभिवर्धन, या फिर ये कनक मुनि, कोणगामन का मतलब कनक मुनि, बुद्ध के स्तूप का अभिवर्धन संवर्धन हो रहा है 14वें वर्ष, निश्चित रूप से आपको यह भी याद होगा जी। अब मुझे एक बात बताएं कि यह आजीवक संप्रदाय के लोगों को यह 12वें वर्ष 2 गुफाओं का दान किया था, 2 गुफाओं का। फिर एक प्रश्न बनेगा कि भाई क्या 2 ही गुफा दान में दिया था, या 4 दिया था, या 5 दिया था, या 3 दिया था? कितनी गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था अशोक ने? हाँ भाई, आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक ने बराबर की पहाड़ी में कितनी गुफाओं का दान दिया था? तीन। प्रश्न यह बनेगा कि यह जो तीसरा, यह तो 2 गुफाओं का दान हो गया 12वें वर्ष, तीसरी गुफा जो दान में दे रहा है वह किस वर्ष दान में दिया था? तीसरी गुफा बराबर की पहाड़ी, उन्नीसवें वर्ष, बहुत बढ़िया। चले अगले प्रश्न बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को बौद्ध उपासक घोषित किया था? बौद्ध उपासक घोषित किया अशोक ने स्वयं को कौन से लेख में?
सोचिएगा बिना किसी जल्दीबाजी के, इत्मीनान से उत्तर करिएगा। हाँ, क्या लिख रहे हैं? बी बी माइनर 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 का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिख दिया है लघु। रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख, प्रथम का मतलब प्रथम, प्रथम लघु शिलालेख, प्रथम लघु शिलालेख, ठीक है, प्रथम लघु शिलालेख, यही प्रश्न का उत्तर है। मुझे बताएं कि यह जो प्रथम लघु शिलालेख है किस वर्ष निर्गत किया गया था? अशोक के द्वारा कब इसे जारी किया गया था? प्रथम लघु शिलालेख, प्रथम लघु शिलालेख, प्रथम लघु शिलालेख अशोक के द्वारा किस वर्ष जारी किया गया था? इस प्रथम लघु शिलालेख में आपको याद होगा मास्की से प्राप्त भी हो रहा है, मास्की लेख की खोज 1915 में हुई थी, संभवतः विडेन के द्वारा खोजा गया था। ये जो लघु शिलालेख प्रथम है निर्गत कब हुआ था, मैं बताऊं कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के बाद। अगर वर्ष पूछ लिया गया तो उत्तर क्या होगा, कौन से वर्ष? 257, 258, 259 ईसा पूर्व, कौन सा उत्तर होगा इसका? एक और तथ्य मिल रहा है आपको, लघु शिलालेख प्रथम को निर्गत किया गया था, जारी किया गया था अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, यह वर्ष कौन सा होगा? याद रखिएगा 257 ईसा पूर्व में प्रथम लघु शिलालेख जारी किया गया था, याद रहेगा 257 ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक मास्की लघु शिलालेख में अपने आप को कह रहा है कि वह बौद्ध उपासक है, वह बौद्ध उपासक है। प्रश्न यह बनेगा कि बौद्ध उपासक अशोक बता रहा है कि मैं बौद्ध उपासक रहा, प्रश्न यह बनता है कि बौद्ध उपासक रहने के बाद क्या अशोक भिक्षु भी बना था, हां या ना? क्या अशोक बौद्ध भिक्षु भी बना था? क्या अशोक बौद्ध भिक्षु भी बना था? उत्तर है नहीं, ठीक है, उत्तर है नहीं। लेकिन अशोक के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, भिक्षु गतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, भिक्षु गतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यह बनता है कि क्या अशोक भिक्षुक गतिक रहा है? उत्तर है हां, भिक्षु गतिक रहा है, अर्थात ऐसा उपासक जो भिक्षु के जैसे भी कुछ व्यवहार कर रहा है, भिक्षु गतिक के रूप में जाना जाता था। तो अशोक बौद्ध उपासक रहा, भिक्षु गतिक भी रहा, लेकिन भिक्षु कभी भी नहीं रहा। प्रश्न एक और बनेगा, क्या अशोक कभी बौद्ध संघ का अध्यक्ष था, हां या ना? अशोक कभी भी बौद्ध संघ का अध्यक्ष नहीं था, अशोक न तो कभी भिक्षु बना और अशोक न ही कभी बौद्ध संघ का अध्यक्ष बना। संरक्षक जरूर था, संघ भेद अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। फिर प्रश्न एक बनेगा कि किसने कहा कि अशोक
एक ही साथ, अशोक एक ही साथ सम्राट भी था और भिक्षु भी था। यह बात किसने कही है? बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कोई एक इतिहासकार है जो कि यह कहता है कि अशोक एक ही समय में सम्राट भी था और बौद्ध भिक्षु भी था। हालांकि यह बात गलत है, लेकिन किसी इतिहासकार ने ऐसा कहा हुआ है, स्मिथ ने कहा है। कौन? स्मिथ ने। तो ये बात हो गई। अगर स्थान वाला पूछ लिया गया इस प्रश्न का उत्तर कि किस लेख में अशोक स्वयं को बौद्ध उपासक कहता है, तो सीधे सीधे याद रख लीजिएगा मास्की। ठीक है, मास्की। चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है? सरे क्यूना, एरीगुड्डी, निगाली सागर, रुमिंदी। बलिवर्द शैली में लिखा हुआ है। बी का मतलब एरीगुड्डी। एरीगुड्डी यह कौन से प्रांत से प्राप्त हुआ लेख है? एरीगुड्डी अभिलेख कहां से प्राप्त है? राजस्थान से प्राप्त है कि कर्नाटक से प्राप्त है कि उड़ीसा से प्राप्त है कि आंध्र प्रदेश से प्राप्त है? कहां से प्राप्त है? आंध्र प्रदेश से प्राप्त है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त है। अगर प्रश्न पूछा गया कि सामान्यतः जो अशोक के अभिलेख है ना, अभिलेख जो है अशोक के, वह दाएं से बाएं लिखे जाते थे, दाएं से बाएं लिखे जाते थे, क्या यह बात सही है या गलत है? सामान्यतः जो अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं वह दाएं से बाएं लिखे जाते थे या बाएं से दाएं लिखे जाते थे? क्यों भाई? कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को? याद रखिएगा, बाएं से दाएं लिखे जाते थे सामान्यतः बाएं से दाएं। लेकिन बलिवर्द शैली उत्तर है एरीगुड्डी, जो कि दाएं से बाएं लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। याद रहेगा, दाएं से बाएं यह जो है अपवाद स्वरूप है। बलिवर्द शैली कहां से? एरीगुड्डी अभिलेख में। क्लियर है बात? चले अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी अरमाइक लिपियों में, उसके तीन स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। कौन सा एक गलत है? अशोक के कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे? तीन नहीं, कितना होगा? दो। कौन कौन से? पिछली क्लास में इस पे हम लोगों ने बात कर लिया था, गुर्जरा, टोपरा और मेरठ। ठीक है, कहां से जानकारी मिलती है? उसका जो दरबारी था उसने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है, एक यंत्र के माध्यम से इनको वहां से उठाया जाता है, यह भी आपको बताया हुआ था। अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटवी जातियों का उल्लेख किया है? अटवी जातियों का उल्लेख, अटवी जातियों का उल्लेख डी अर्थात 13वें
13वें दीर्घ शिलालेख में अटवी जातियों का उल्लेख किया हुआ है? क्या अशोक 13वें दीर्घ शिलालेख में धम्म विजय का भी उल्लेख करता है, हां या ना? 13वां दीर्घ शिलालेख में क्या धम्म विजय का भी उल्लेख करता है? क्या करता है? हां, ठीक है। प्रश्न यह है कि कितनी दूरी तक धम्म विजय का उल्लेख करता है? कितनी दूरी तक धम्म विजय का उल्लेख करता है? छह सौ योजन, एक योजन बराबर कितना मील? 30 मील, अर्थात कितने मील की बात करता है? 30 × 18 = 3, कितने मील? तो 1800 मील, 1800 मील दूरी तक यह धम्म विजय की बात करता है। प्रश्न यह बनता है कि धम्म विजय में क्या यूनानी राज्यों का भी उल्लेख है? क्या प्रश्न यह है कि कितने यूनानी राज्यों के नाम का उल्लेख है? कितने यूनानी राज्यों के नाम का उल्लेख है? 5। क्या दक्षिण भारतीय राज्यों के भी नाम का उल्लेख है? क्या दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम का उल्लेख है? क्या चोल के नाम का उल्लेख है? 13वें की बात हो रही है, क्या चोल नाम का उल्लेख है? उत्तर है हां। क्या पांड्य का उल्लेख है? 13वें की बात हो रही है, उत्तर है हां। सतीय पुत्र के नाम का उल्लेख है? उत्तर है हां। फिर क्या केरल पुत्र के नाम का उल्लेख है? उत्तर है हां। तो 1, 2, 3, 4, यहां भी 5 है। क्या ताम्रपर्णी का उल्लेख है? ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका, उत्तर है हां। 5 यवन और 5 दक्षिण राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है, याद रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न यह बनेगा कि अटवी जातियों का भी उल्लेख मिलता है, इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे गणराज्य प्रकार के राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, कुछ छोटे छोटे गणराज्य प्रकार के क्षेत्रों का भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न यह बनेगा, क्या कंबोज के नाम का उल्लेख है? क्या कुछ भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 13वें शिलालेख में किस एक के नाम का उल्लेख नहीं है, आज के आज क्लियर कर ले। क्या इसमें लिखा हुआ है कंबोज के नाम का उल्लेख? उत्तर है हां। क्या पीतनीक के नाम का उल्लेख मिलता है? पितनिक, उत्तर है हां। क्या भोज के नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर है हां। क्या पुलिंद के नाम का उल्लेख मिलता है? पुलिंद, पुलिंद, उत्तर है हां। क्या अंध के नाम का उल्लेख मिलता है? अंध, उत्तर है हां। अब समझिएगा, ये जो भी नाम लिखा अशोक ने अपने 13वें दीर्घ शिलालेख में बताया है, दिस ऑल आर व्हाट टाइप ऑफ स्टेट विजित राज्य के नाम से बताया है। ठीक है, अशोक ने इन जो भी नाम लिए हैं ऊपर, अंध, पुलिंद, भोज, पिदनी, कंबोज आदि, ये 13वें दीर्घ शिलालेख में इनके नाम का उल्लेख है और विजित राज्य के रूप में इनको अशोक ने बताया हुआ है, याद रहेगा। चलें, बहुत बढ़िया।
तो इतने सारे नाम और निश्चित रूप से एक अच्छा रिवीजन आपका हो गया होगा, बहुतों को जानकारी भी नहीं रही होगी। विषय की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरुष्टी लिपि का प्रयोग किया है। द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी है। धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। ऊपर था द्वितीय शिलालेख और नीचे है द्वितीय स्तंभ लेख। उड़ीसा के शिलालेखों में खरुष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन सा सही है? सी का मतलब स्तंभ लेख। बिल्कुल, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा दूसरे स्तंभ लेख में दी है। कियम चु धम्मे, धम्म क्या क्या है, दान दक्षिणा आदि, गुरु माता पिता की सेवा करना, आदर भाव रखना आदि आदि, यही सब धम्म बताया है। ठीक है, जो भी अच्छे काम हम लोग जानते हैं। चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दक्षिण भारत में किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दक्षिण भारत में 14 दीर्घ शिलालेख की बात हो रही है। दीर्घ शिलालेख, अब आपको पता है कि दीर्घ शिलालेख की संख्या है 14। संख्या है 14। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। आपको यह जानकारी है ना भाई? आपको इतनी जानकारी तो है ना। अब ये जो 8 है ना, यह पुरानी बात हो गई है। मैं आपको आज 10 बताऊंगा। हाल फिलहाल में 2 और स्थानों से 14 यह दीर्घ शिलालेख संख्या वाले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8 की जगह अब आज हम लोग 10 कर लेंगे इनकी संख्या को। पहले 8 था, अब नई किताबों में यह 10 लिख करके आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, अब मुझे बताएं कि यह जो 8 स्थान है, क्या इसमें गिरनार है? क्या बताएंगे जरा, क्या गिरनार है क्या इसमें? क्या गिरनार है इसमें? उत्तर है हां। क्या शहबाज गढ़ी है? क्या शहबाज गढ़ी? क्या धौली है क्या इसमें? धौली। क्या जौगढ़ है इसमें? जौगढ़। क्या मनसेहरा है इसमें? क्या कलसी देहरादून है क्या इसमें? जी हां, ठीक है। क्या इसमें एरी गुड्डी है? क्या एरी गुड्डी? उत्तर है हां। क्या इसमें सोपारा है? एक महाराष्ट्र सोपारा है क्या? क्यों भाई? ठीक है, तो 3, 3, 6, 2, 8, ये 8 तो आप जानते थे। ठीक है, 8 स्थानों से प्राप्त हो रहा है, आप जानते थे। अब 2 नए स्थान भी आपको बता रहा हूं, जहां से 14 बातें लिखी हुई दीर्घ शिलालेख प्राप्त हो रहा है। एक 9 लिखिएगा कहीं कॉपी पे, 9th, वो है कंधार। और एक 10वां लिखिएगा, वो है सन्नती। सन्नती कहां? कर्नाटक गुलबर्गा। ये है तो लिखा सन्नती, ये सन्नती लिखा है, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए प्रश्न,
दक्षिण भारत में किन स्थलों में 14 घोषणाएं वाले अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? तो आपने देखा एर्रीगुड्डी आंध्र प्रदेश, यहां से भी पाया गया है। और इसके अलावा दक्षिण भारत की बात कर रहा है, सन्नती कर्नाटक, यहां से भी पाए गए हैं। 1 और 4 सही होगा, डी विकल्प सही होगा। जौगढ़ दक्षिण भारत में नहीं है, उड़ीसा में है, यह पश्चिम भारत है। कौन सा भारत है? पश्चिम भारत है, ठीक है। मास्की से दीर्घ शिलालेख नहीं, लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। क्लियर है बात? अब जो भी आएगा, 10 आएगा तो 10 लगाइएगा, ठीक है। इसका प्रमाण है, मैं उपलब्ध कराऊंगा प्रमाण, ठीक है। और 10 नहीं रहेगा ऑप्शन में, 8 ही रहेगा, तो 8 ही लगा लीजिएगा। क्लियर है बात? पूर्व में है भाई, माफ करिएगा। चले तो अभी आज की क्लास इतने पे रोक लेते हैं। एक बार जोरदार तरीके से लाइक जरूर करिएगा। अगली क्लास में फिर हम लोग मौर्योत्तर काल पे काम करना शुरू करेंगे। एक क्लास मौर्योत्तर काल नॉर्थ को लेकर के करेंगे, और मौर्योत्तर काल के ही पैरेलल दक्षिण भारत में संगम काल है, संगम काल पे एक क्लास करेंगे, ठीक है। तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक जरूर करिए, थम्ब अप करिए। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।